एंड डेफिनेटली यार फाइनल्स के पहले तो आएगा ही आएगा और एक काफी लेंथी चैप्टर है वन शॉर्ट में इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ ऐसे रिवाइज करेंगे कि तीन नंबर का सवाल एक नंबर का सवाल पाँच नंबर का सवाल चाहे जो भी आए हम सबका जवाब आसानी से दे देंगे सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सर्फ आई फू गॉट टू डू दैट आई एम के विदाउट एनी फर्दर आई डू वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड यार बहुत सिंपल है हम सब कुछ करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ खिलाफत क्या था एनसीएम क्या था डिफरेंट और सी डी एम क्या थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पांच नंबर के लिए ना ये आपका सी बी एस ई का बहुत ही दिल, दिल, दिल के करीब टॉपिक है यहाँ से या इनमें से तो आता ही है बट यहाँ से ना आप देखोगे अगर तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ने से इतनी बार सवाल पूछा गया है और नॉर्मली हमें समझ नहीं आता है कि क्या लिखना चाहिए किन चीज़ों को मैंशन करना चाहिए इससे क्या याद करें थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा पोर्शन है ये आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है मैम आज सब कुछ बता देंगे ठीक है तो इंडिया जो थी ट्वेंटी सेंचुरी की काफ़ी डाइवर्स थी हमेशा से रही है ट्वेंटी सेंचुरी ले लो नाइनटीन ले लो एटीन ले लो सिक्सटीन ले लो कुछ भी ले लो ठीक है फोर्टीन में चले जाओ इंडिया में डाइवर्सिटी की कमी कभी नहीं रही है डाइवर्सिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है जोग्रफिकल वेरिएशन से एंड इंडिया इज़ वेरी वेरी रिच जोग्रफिकल वेरिएशन में भी डेजर्ट भी है पेनसुला भी है आइलैंड भी है पहाड़ भी है घाट्स भी हैं प्लेटोज भी हैं अलग अलग कंडीशन भी है ट्रॉपिकल भी है सब ट्रॉपिकल भी है तो so, खाने में कपड़े पहनने में अलग अलग लैंग्वेज हेरिटेज रिलीजन हर एक तरीके से हम बहुत रिच रहे हैं और बहुत डाइवर्स रहे हैं हमेशा से All these and एक आता है और उसके अगेंस्ट एक लोगों के दिलों में जागती है और सब लड़ते हैं एकत्रित एक हो करके और मॉडर्न नेशनलिज्म होता है ऐसे शुरू और लेते हैं हम फिर आजादी हमारे ब्रिटिश रूल से जो हम पे चल रहा था हमारा ब्रिटिश रूल नहीं था वो ठीक है तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से या देखो पहले सबसे सिंपल सी बात हमें ये समझनी है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है नेशनलिज्म पेट्रियाटिज्म नहीं होता है यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस हो ठीक है फीलिंग ऑफ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि आप ऐसा फील करो कि आप जिस जगह से हो आपके आसपास जो लोग हैं ये सब एक दूसरे को बिलोंग करते हैं हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं एक देश का हिस्सा हैं Uh, इसके लिए कल्चर लैंग्वेज कुछ भी आप कनेक्शन ढूंढ सकते हो जिसके साथ एक फीलिंग ऑफ वननेस आती है इंडिया क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्स थी तो ये फीलिंग ऑफ वननेस ना होना वॉज वेरी वेरी नॉर्मल प्लस दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि नॉर्थ और साउथ में भी एक डिफरेंस था नॉर्मली जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे वो नॉर्दर्न पोर्शन में लगभग प्रेजेंट एमपी छत्तीसगढ़ थोड़ा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वो वाले एरिया तक आकर के रह गए थे बिल्कुल साउथ में ज्यादा किसी ने पेनिट्रेट नहीं किया था साउथ में हमेशा हमारा नेटिव रीजनल रूल ही रहा है एक ये चीज हो गई तो थोड़ा सा यहाँ पे एक ये डाइवर्सिटी आ जाता है दूसरा डाइवर्सिटी क्या आता है नॉर्थ में भले बाहर से रूलर्स आए थे लेकिन हर बार अलग अलग रूलर्स आए थे और हमेशा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूलर्स रहे हैं जैसे कि इधर चोलाज पांड्याज राष्ट्रकुटाज मराठाज ऐसे ऐसे करके अलग एरियाज हमारे नेटिव रूलर्स हो गए यहाँ पे कभी दिल्ली सल्तनत रही है कभी मुगल्स रहे हैं कभी कोई हमारे पृथ्वीराज चौहान रहे हैं वो कभी मौर्य एम्पायर रहा है कभी कोई एम्पायर रहा है तो सब अलग 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 एरियाज में अलग अलग जगह से रहे तो यार कल्चरली लैंग्वेज बेस्ड ट्रेडिशनली जोग्रफिकली हम अलग थे पहले से वो तो डाइवर्सिटी थी ही अब जब कोई देश इतना डाइवर्स होता है तो so नॉर्मली उसके एकत्रित होने की एक सिंपल पॉइंट ऑफ कोलैबोरेशन की जहाँ पे वो एक फील करे वन फील करें इज यूजुअली द एलीजियंस टू द किंग ठीक है कि राजा एक है राजा की तरफ एलिजियंस है एक एक प्रजा के हम लोग हैं वो कॉमननेस रहती है हमारे अंदर वो भी नहीं रही इस वजह से तो हम बहुत डाइवर्स बहुत अलग थे और इसलिए शायद ब्रिटिशर्स आसानी से घुस पाए क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पे रहे अलग अलग काम अप, आ, फोकस अलग रहा आ, मिल के साथ में बात करने में सब चीजों में वक्त लगा लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो इतना ज्यादा दर्द दुख दर्द पीड़ा दे देते हैं वो सबको कॉज सो मच इनफैक्ट सो मच ऑफ पेन कॉज सो मच ऑफ पेन डेट एवरी वन नाउड टू बी गॉन

इसके पहले भी 1857 के पहले भी ऐसा नहीं कि लोग कुछ नहीं कह रहे थे बट छोटे छोटे हिस्सों में होता था तो सप्रेस हो जाता था वहां से फिर अलग अलग फेजेस में कहानी शुरू होती है पहले 1857 के बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि ज्यादातर लोग जो है वो थोड़े पैसिव तरीके से मना बुझा करके उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स बुरा नहीं चाहते हैं हमारी बात मानेंगे ऐसे काम कराना चाहते थे फिर थोड़े अजोर्टिव लोग आते हैं कि अपनी बात रखेंगे फिर आते गांधी जी जैसे लोग कि अफॉर्म्ड है क्लियर है पूर्ण स्वराज चाहिए ब्रिटिशर्स कोई लेना देना नहीं है अपनी बात रखनी है अपनी बात मनवानी है ब्रिटिशर्स को भी झुका देना है तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में गांधी एरा की बात करेंगे इसके पहले जो दो एराज है बाल पाल लाल का रहा है या फिर उसके पहले का ज्योतिबा फुले और आपका आ, ये सारे हमारे और भी लोग रहे हैं इनके वक्त की बात हम नहीं करेंगे एटीन के आ, लेटर हाफ की बात हम नहीं करेंगे ठीक है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था 1914 से 1918 तो so ऐसा है कि गांधी जी 1915 में टेक्निकली वापस आते हैं बट गांधी ने आप कह सकते हो कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन स्वदेशी मूवमेंट ये सब मतलब बंगाल का पार्टीशन ये सब से एक नया एरा शुरू हो गया था अब ऐसे लोग आ गए थे जो थोड़े uh, मतलब हाउ डू ऐसे देर मोर देर वेरी क्लियर ओके देर वेरी अजोटिव एंड generation where वेर विच वॉज वेरी वेरी क्लियर इन देयर हैड ब्रिटिशर्स के साथ अब नेगोसिएशन नहीं करना है अब ब्रिटिशर्स को बोलना है उनको हमारी बात माननी है और ऐसा ही चलेगा सिस्टम ठीक है और उसी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल टुगेदर क्रिएट कर देता है इसकी वजह से लोगों के अंदर और ज्यादा आप समझ लो इंकरेजमेंट और पुश आ जाता है कहीं ना कहीं कि भैया हो गया अब अब तुम्हारी कहानी खत्म ब्रिटिशर्स वापस जाओ वी डोंट वांट यू गाइस तो होता क्या है बच्चे इसके पहले भी लोग टैक्सेस दे रहे थे ब्रिटिशर्स की जाति सह रहे थे एडुकेशन नहीं मिलता था जल्दी काम नहीं मिलता था प्रमोशन नहीं मिलता था रिकग्निशन नहीं मिलता था सेम सैलरी नहीं मिलती थी इस वक्त क्या होता है कि एक तो सारा कुछ प्रोडक्शन बंद करा देते हैं ब्रिटिशर्स तो बाकी जो ट्रेडर्स हैं ठीक है मान लो फार्मर है फार्मर कॉटन बनाता है उससे कोई कपड़ा बना रहा है तो वो कॉटन जो है बाहर एक्सपोर्ट ही सिर्फ नहीं करता था लोगों को भी अंदर इंटरनली कोई इंडियन मैन्यूफैक्चर उसको बेच रहा है तो उसको पैसे आ रहे थे ब्रिटिशर्स ने ये सब बंद करा दिया कि बाकी इधर उधर जो भी तुम मैन्यूफैक्चरिंग करते हो सब बंद कर दो सारा पैसा वॉर एक्सपेंडिचर में जाएगा सारा पैसा कहाँ जाएगा वॉर में खर्च करने के लिए और ये पैसा कहाँ से आ रहा है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके इंडियन के रेवेन्यूज किए गए काम से रेवेन्यूज जनरेट करते ये सारा पैसा कहाँ जाएगा सिर्फ वॉर में जाएगा कोई इंडियन की डेवलपमेंट कुछ कुछ भी नहीं ठीक है उसके बाद वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ाया वो तो ठीक है साथ ही साथ जितनी मैन्युफैक्चरिंग थी सब कुछ बंद करा दी और कहा कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ वॉर सप्लाईज बनाएगी यूनिफॉर्म बनाओ बैग्स बनाओ बेल्ट्स बनाओ कैप्स बनाओ बूट्स बनाओ आर्म्स बनाओ एमिनेशन बनाओ, बनाओ हर एक चीज़ वॉर के लिए बनाओ वैसे तो उसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने काफ़ी पैसा कमाया था लेकिन जो फार्मर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अदरवाइज सामान बेच रहे थे उनका तो सामान बिकना बंद हो गया था प्लस उनके ऊपर टैक्सेस सबके ऊपर लगी जा रही थी साथ ही साथ क्या किया गया था अब क्योंकि उनको ज्यादा पैसे चाहिए थे वॉर जो है इज लाइक ब्लीडिंग मनी पैसा बहता है खून की तरह ठीक है खून भी बहता है पैसा भी बहता है लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है इकोनॉमिक कोई ग्रोथ नहीं होती है अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए पैसे कहाँ से लाएंगे तो हर एक जगह जहाँ उनकी कॉलोनी थी पैसे निचोड़ना चालू कर दिया लोगों को बोला टैक्स और भरो ट्रेड कर रहे हो कस्टम ड्यूटी भरो ट्रेडिंग पे जो आपका एक देश से दूसरे देश ट्रेड करने पे आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को है ना तो उन्होंने कहा कि जो भी ट्रेडर्स है अपना सामान दूसरे देश को बेचना चाहते हैं दूसरे देश से सामान खरीदना चाहते हैं भर भर के टैक्स दो जितना लेते थे उससे बहुत ज़्यादा लेने लग गए ताकि वॉर के लिए पैसे आ सके लोगों पर इनकम टैक्स इंट्रेड्यूस कर दिया यानी कि आप पैसे कमा रहे हो उसका दस परसेंट बीस परसेंट जो इनकम टैक्स हम अभी भरते हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जितने भी सामान मिल रहे थे सबके प्राइसेस बढ़ गए थे इन्फ्लेशन आ जाता है वॉर्स के टाइम पे फोर्स रिक्रूटमेंट अब यार इनको आर्मी चाहिए थी चार साल वॉर चला है कहां से इतने लोग आएंगे अपने ब्रिटिशर्स जा रहे थे बट अपने कॉलोनी से ये फोर्स कर करके लोग को ले जा रहे थे क्योंकि इंडियंस तो ब्रिटेन के लिए नहीं लड़ना चाहेगा ना इंडिया वॉज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन टू द वॉर ब्रिटेन वॉज सो पीपल वॉर फोर्स ठीक है तो क्या करते थे गांव जाते थे जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं वो बेचारे घर संभालें अब, अब यंग बंदा है वो घर का वो खर, कमाई करके घर बचाएगा चलाएगा पर नहीं उन सबको फोर्स तरीके से रिक्रूट कर दिया जाता था आर्मी में तो ये सारी प्रॉब्लम्स लोग चार साल तक झेलते रहे उनको लगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो अब हमारी प्रॉब्लम से हमें निजात मिलेगा हमारी जिंदगी बेटर होगी बट लिटिल डिड डे नो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वॉर खत्म होते ही एक तो पहले एक एपिडेमिक फैल गई तो ये जो आर्मी वाले लोग थे ये वापस आते हैं जब वॉर के बाद या इन जनरल भी जब ट्रैवल कर रहे होते तो बच्चे पैंडेमिक कैसे आया कोविड कैसे फैला था कोई चाय वुहान गया वुहान से इटली गया ऐसे ऐसे करके करते 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 सब जगह स्प्रेड हो गया वैसे ही ये आर्मी वाला गया आर्मी वाले गए उधर ठीक है जब लड़ाई करने गए दूसरे देश तो दूसरे देश जब लड़ाई करने जाने तो वहाँ से इन्फेक्शन लग गया ठीक है इन्फ्लुएंजा लेकर के आ गए और यहाँ पे फुल जो है आपका एपिडेमिक हो गया साथ ही साथ एपिडेमिक हो रहा है लोग मर रहे हैं इन्फेक्ट हो रहे हैं वो तो हो ही रहा है क्रॉप फेलियर हो गया लगातार दो साल नाइनटीन एटीन से नाइनटीन 19 और नाइनटीन ट्वेंटी से ट्वेंटी वन फुल शॉर्टेज ऑफ फूड पहले वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो अब इसके चक्कर में वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट थ्री मिलियन पीपल लगभग डेढ़ करोड़ लोग अपनी जान गँवा बैठते हैं और वॉर के साथ हार्डशिप्स खत्म नहीं होती है। अब इसी वक्त अब चाहिए था हमें एक मसीहा इस समय जो आता और हमें संभालता और वो मसीहा बनकर आते हैं गांधी जी गांधी जी सत्याग्रह का वेपन लेकर के आते हैं अपनी मैजिक स्टिक की तरह और सबको भी छू अंतर कर देंगे अब ये सत्याग्रह का वेपन कहाँ से आया साउथ अफ्रीका में इन्होंने इंडियन सिटीजन्स के लिए अपाथी सिस्टम के अगेंस्ट पहले ही ये एक्टिव जो आपका पैसिव रेसिस्टेंस है बहुत एक्टिवली और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हुआ था तो अब वो बारी थी उनकी वापस आके इंडिया में ये फाइट करने की सत्याग्रह क्या होता है सवाल आ सकता है इस इस इसपे बहुत बार केस बेस्ड क्वेश्चन आए सत्याग्रह एक नोबल तरीका है ठीक है यानी कि एक प्यार प्यार से होने वाला तरीका है जहाँ पे आप कॉलोनियल रूल से या किसी से भी लड़ते हो इसका कहना यह है कि ओप्रेसर को कभी भी फिजिकल फोर्स नहीं दिखाना मार ना पीट वायलेंस नहीं वेरी वेरी नॉन वायलेंट सत्या आग्रह सत्य और आग्रह अपील ऑफ ट्रूथ आग्रह का मतलब अपील सत्य का मतलब ट्रूथ अपील ऑफ ट्रूथ होता है इसका मतलब तो इनका कहना बहुत सिंपल था वी विल अपील द ऑप्रेसर विथ आर ट्रूथ ठीक है जब आप अपनी सच्चाई के साथ अपने ऑप्रेसर को अपील करते हो यानी कि आप फोर्स यूज नहीं करते हो आप क्या करते हो कि आप अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो और उसकी वजह से जो आपका ऑप्रेसर है वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि उसकी गलती है और फिर वो अपने आप आपके ऊपर जाति करना इनजस्टिस करना छोड़ देता है तो एक पीसफुल मास एजिटेशन होता है नॉन अग्रेसिव होता है आप अपने सच्चाई पे बने रहते हो इंसिस्ट करते रहते हो मॉरल फोर्स लगाना है पैसिव रेजिस्टेंस लगाना है फिजिकल फोर्स नहीं लगाना है ठीक है तो गांधी जी वापस आते हैं इसी आइडिया के साथ अब जब गांधी जी वापस आते हैं तो सारे लोगों को तो इनके बारे में पता नहीं है तो इना इनको लोगों के बारे में कॉन्टेक्ट है तो पहले ये छोटे छोटे मास मूवमेंट शुरू करते हैं और सत्याग्रह लॉन्च करते हैं तीन जगह पे यानी कि समझो कि ब्रिटिशर्स को आते मिठाई खिला दी उन्होंने केक खिला दिया सी से चंपारण ए से अहमदाबाद के से खेदा के सीएके, ठीक है चंपारण में आपका इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के साथ 1917 में सत्याग्रह होगा खेदा में 1918 में आपका पेजेंट्स के साथ सत्याग्रह होगा और अहमदाबाद में भी 1918 में आपका मिल वर्कर्स के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के साथ होगा इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स की चंपारण बिहार में क्या प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि आपकी जमीन बड़ी हो छोटी हो आपको वन थर्ड पे इंडिगो ग्रो करना है क्योंकि इंडिगो कैश क्रॉप था बहुत पैसे मिलते थे बहुत ज्यादा डिमांड में था मार्केट के तो ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे सबको लेकिन फार्मर्स क्यों रेडी नहीं होते थे एक तो उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं आता था जिस दाम में वो बेच रहे थे ब्रिटिशर्स दे नॉट रियली पेइंग एनी क्लोज टू दैट टू द फार्मर्स मोर देन दैट इंडिगो एक ऐसा पौधा है जहां पर आप जब एक बार उसको फार्म करते हो जिस जमीन पर वो लगता है उसको बंजर कर देता है ठीक है बैरिन लैंड बना देता है इनफोर्टाइल कर देता है एक बार में नहीं तो दो बार में यानी कि पैसे भी इतने नहीं मिल रहे हैं और जमीन भी खो रही है तो इट वॉज अ लॉस सो पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो इट द फर्स्ट प्लांटेशन सत्याग्रह वॉज अबाउट अबाउट दैट खेदा में क्या होता है रेवेन्यूज और आपके जो टैक्सेस है वो इम्पोज थे वर्ल्ड वॉर हो के ख़त्म हो जाता है बट फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस का लोड बढ़ते जाता है अब बेचारों के पास पैसे ही नहीं है कि वो दे सके इनको तो वो कहते हैं कि भैया हमको इन टैक्सेस से रेमिटेंस दिला दो आज़ादी दिला दो गांधी जी वहाँ मदद करते हैं मिल वर्कर्स में उनको वेजेस पैसे प्रॉपर नहीं मिल रहे थे वर्किंग आवर्स खराब थी कंडीशन ख़राब थी तो उनको वहाँ पे आसानी होती है ठीक है अब जब वो ये सब करा रहे हैं तभी नाइनटीन नाइनटीन में और अभी वॉर चल ही रहा है ना नाइनटीन एटीन तक वॉर चल रहा है अब वॉर खत्म होता है लोगों की परेशानी ख़त्म नहीं होती है तभी जब परेशानी खत्म नहीं होती और लोगों को थोड़ी उम्मीद होती है कि जिंदगी बेहतर होगी ब्रिटिशर्स जो एम्पीरियल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अनाउंस कर देती है पासिंग ऑफ राउलेट एक्ट जो कि सारे इंडियंस ने नैशनलिस्ट ने बहुत मना किया था बट ब्रिटिशर्स नहीं सुनते तो ये एक्ट जो है ये क्या करती है ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स वैसे ही बहुत पावरफुल पावरफुल थे राइट कॉलोनियल पावर थी वो जो मनाता था करते थे जैसे मनाता था करते थे अब उनको और पावर मिल जाती है नॉर्मस पावर मिल जाती है कैसे नॉर्मस पावर मिल जाती है अब लेजिलेटिव काउंसिल एक रूल पास करता है एक एक्ट एक एक्ट एक एक पास करता है जहाँ पे पुलिस को और अथॉरिटी को ब्रिटिशर्स ये कहता है कि आपको जिसको अरेस्ट करना है आप अरेस्ट कर सकते हो यू कैन अरेस्ट एनी वन इन इंडिया जस्ट बेस्ड ऑन सस्पेशन आपको शक है इस इंसान को अरेस्ट करो नॉर्मली यहां पे कोई भी गलती करता है तो क्या करते हैं भैया तुम पे मुझे शक है तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे तुम कोर्ट में पहले अपनी बेगुनाई साबित करो तो ठीक है अगर मैंने तुमको गुनगार साबित कर दिया तो तुम जेल जाओगे यू गिल्टी विल बी टू द जेल बट फर्स्ट अ ट्रायल विल हैपन पहले तुम्हें प्रूफ करने का मौका तो दिया जाएगा जेल ऐसे नहीं भेज सकते कंप्लेन हो सकती है रिमांड में ले सकते बट जेल नहीं भेज सकते तो यहाँ पे पावर ये दे दिया जाता है कि भैया तुम्हें किसी पे शक है तो तुम उसको दो साल तक के लिए जेल में डाल दो ट्रायल की जरूरत नहीं है दो साल बहुत लंबा समय होता है जेल में रहने के लिए ये क्यों किया गया था आइडिया बहुत सिंपल था नेशनलिस्ट मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए जो भी लीडर्स हैं उनको बोल दो कि हाँ हमें इन पे शक है कि ये ट्रीजन कर रहे हैं ये हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं ऐसा कुछ और फिर उसके बाद उनको जेल में डाल दो अब दो साल में उनकी मूवमेंट रुक जाएगी उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका हौसला ब्रेक हो जाएगा उनका हौसला ब्रेक हो जाएगा फ्लो ब्रेक हो जाएगा थ्रेड कम हो जाएगा इस आइडिया से राउलेट एक्ट को पास कर दिया गया था अब क्या होना था लोग सुनने वाले तो थे नहीं है ना लोग भी आ जाते हैं पूरा हड़ताल करने के लिए इस बहुत जमकर प्रोटेस्ट होती है इस एक्ट के अगेंस्ट तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच प्लेस तो पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था चंपारण अहमदाबाद खेरा सोचो ज़रा मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी स्वीट का नाम बताया है जिसकी मदद से आप याद रख सकते हो कि कौन सा सत्याग्रह है और कहाँ पे हुआ है तो बच्चे ऑर्डर में दिया हुआ है केक ठीक है इसका करेक्ट आंसर जो है वो चंपारण हो जाएगा सबसे पहले चंपारण उसके बाद कहें खेदा और फिर अहमदाबाद ऑर्डर में एग्जैक्टली exactly नहीं बट मतलब सी के ए इज करेक्ट ठीक है तो अब हड़ताल होने लगती है छः अप्रैल को एक मास हड़ताल गांधी जी भी अनाउंस करते हैं बाकी जगह जगह पे पंजाब हो गया इधर उधर हर जगह थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत हड़ताल चल रही है प्रोटेस्ट चल रहा है सब लोग सड़कों पे आ रहे हैं नॉन वायलेंट ही कर रहे हैं कई जगह वायलेंट भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स भी अपनी पूरी जी जान और पूरे फोर्स के साथ क्या करते हैं इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर्स भी तो ऐसे नहीं होने देंगे ना कि हाँ भैया तुम जो कर रहे हो करते जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है हम ताली बजाएंगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस बहुत ब्रूटल तरीके से वो भी सप्रेस करते हैं गांधी जी को जैसे दिल्ली जाने से मना कर दिया जाता है रोक लगाया दिया जाता है कि आप जाओगे तो वहां पर कुछ हंगामा करा दोगे आप ठीक है और कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है प्रोटेस्ट फुल ऑन चल रहा होता है अलग अलग जगह पे किसी तरह से कहीं पे वॉयलेंस कहीं पे फोर्स कहीं पे लाठी चार्ज किसी न किसी तरीके से सब कंट्रोल में लाया जाता है पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाते हैं इट्स लाइक कर्फ्यू कि आप जो है प्रोटेस्ट और ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते झुंड में नहीं आ सकते हो ठीक है पंजाब में लग जाता है कर्फ्यू मार्शल लॉ लग जाता है जनरल डायर उस वक्त वहाँ पे लाए जाते हैं थोड़ा कंट्रोल लेने के लिए पंजाब के कुछ लीडर्स को कुछ दिन पहले जो है अरेस्ट किया जाता है जब ये छः अप्रैल हड़ताल चल रहा होता था बाकी प्रोटेस्ट चल रहे होते थे और ये मार्शल लॉ लगने के बीच में कुछ बड़े सिग्निफिकेंट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है अब यहाँ पे जो है आपका तेरह अप्रैल आ जाता है थर्टीन अप्रैल आ जाती है थर्टीनथ अप्रैल को बैसाखी थी तो गाँव से बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनको पता ही नहीं था कि ये मार्शल लॉ क्या है और समय ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप फोन टी कुछ नहीं हुआ करता था ना बच्चे न्यूज़पेपर भी जल्दी लोगों के पास नहीं पहुंचता था लोग ज़्यादातर पढ़ते नहीं थे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और तो गांव के लोग थे वो पहुंच जाते हैं अमृतसर अमृतसर में एक जलिया वाला बाग करके जगह है वहाँ पे एक मेला लगने वाला था फेयर वो सपोज टू तो हैपन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी अब ये सब झुंड में पहुँचे हैं लोग और मज़े से वहाँ पर अपना बैसाखी मनाने के फिराक में है एट द सेम टाइम देर वो फ्यू पीपल हु डिसाइडेड टू हैव अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट इन द सेम प्लेस ठीक है उनकी डिमांड ये थी कि यार हमारे जो लीडर्स को तुम ले गए हो उनको छोड़ दो दे वॉन्टेड डिमांड वॉज कि हमारे लीडर्स को यू हैव टू रिलीव वी आर हैविंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट जनरल डायर गॉट टू नो अबाउट दिस एंड ही सुपर सुपर अपसेट ईगो हर्ट हो गया कि तुम्हें ब्रिटिशर ने बोला है ब्रिटिशर्स ने रूल ने बोला है तुम्हारे रूलर ने कि तुम नहीं कर सकते प्रोटेस्ट तुम्हारा मार्शल लॉ लगा है हाउ डेयर यू ब्रेक दिस लॉ अब वो एक फोर्स इंपोज करना चाहते थे यानी कि सबक सिखाना चाहते थे कि कल जब तुम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का कर डिसाइड करो तो तुम्हारी रूह है ना ऐसा कुछ इनफ्लिक्ट कर देना है तुम्हारे ऊपर एक ऐसा मेमोरी सो दैट्स हाउ ही डिसाइडेड एक ट्रूप लिया अपना पहुंच गए जलियावाला बाग के बाकी गेट्स बंद थे एक ही एंट्री पॉइंट थी उसको ब्लॉक किया और ओपन फायर का जो है आ, आ, वो दे दिया एग्जिट पॉइंट पे ऑर्डर दे दिया आपने सारे मेंबर्स को यानी कि जब तक बंदूक में गोली है चलाते रहो मेन वेमेन चिल्ड्रेन यंग पीपल एल्डर एवरीबडी वॉज आउट राइटली ओपन फायर्ड ऑन जस्ट टू टीच दम अ मॉरल लेसन दैट हाउ डा यू गो अगेंस्ट द मार्शल लॉ इम्पोजिशन बाय द ब्रिटिशर्स तो थर्टींथ अप्रैल को ये जो बड़ा सा क्राउड नाइनटीन नाइनटीन में गैदर हुआ था उन पे हजारों लोगों पे गोली चलती है uh, कई सारे लोग हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं वो मारे जाते हैं अब जब ये इंसिडेंट्स जैसे ही होता है ठीक है आप देखोगे कि लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं ठीक है प्रोटेस्ट करने लगते हैं अगेंस्ट द जलियावाला बाग इंसिडेंस और राउलेट का तो चल ही रहा था क्लैशेज होती हैं स्ट्राइक्स होती हैं गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन करती हैं गांधी जी कहते हैं कि ये जो मास पहला स्ट्रगल हमने किया था उसको कॉल ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत ब्रूटल हो रहा है मतलब ब्रिटिशर्स ऐसा करने लग गए थे कि दे वुड वांट टू ह्यूमिलिएट इंडियंस कि लीडर्स को ह्यूमिलिएट करना है तो लीडर्स को फ्लॉक करते थे घुंडे पे बैठा कर छड़ी से मारना स्टिक से मारना उनको नोज रब करने बोलते थे लिक करने बोलते थे ग्राउंड को नीज पे क्रॉल करने बोलते थे कि आप ह्यूमिलिएट कर दो इतना इनके लीडर्स को कि कल को कोई उनको फॉलो ही ना करे उनके अंदर रिस्पेक्ट ही ना आए उसके लिए ठीक है तो अब ये जलियावाला बाग इंसिडेंस हो जाता है हाँ और ये मूवमेंट इतनी वायलेंट हो जाती है लेकिन गांधी जी इस प्रिपेयर कि कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो बड़ा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलने वाला है अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुरंत खत्म हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमें पता है कि कैसे कौन कौन सी टीम्स थी ऑटोमन एम्पायर जर्मनी ऑस्ट्रिया प्रशिया आप मतलब आपका जो है एक तरफ थी दूसरी तरफ आपका ब्रिटेन रशिया एंड देन फ्रांस यूएस ये सारे लोग थे और ये जीत जाते हैं ऑटोमन एम्पायर ब्रेक तो होता ही होता है ऑटोमन एम्पायर में एक और चीज़ होती है बच्चे वहाँ पे कैलिफ द खलीफा द स्परिचुअल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड यूज़ टू स्टे वो वहाँ रहते थे अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि ऑटोमन एम्पायर हारा है तो उसको कुछ पनिशमेंट भी मिलेगी तो हम इनके अगेंस्ट एक बहुत हार्श ट्रीटी साइन करेंगे सारे टेम्पोरल पावर्स जो है हम इस खलीफा के छीन लेंगे और पनिश करेंगे ठीक है राज कुछ कुछ लीडर नहीं रहना है कुछ नहीं रहना है बट वट दे फेल टू अंडरस्टैंड वॉज दैट ही नॉट जस्ट लीडर ऑफ अ प्लेस राइट ही स्पिरिचुअल लीडर मतलब बहुत रीजनल सेंटिमेंट्स जुड़े थे वर्ल्ड so really including पीपल इन इंडिया ये बहुत ही बढ़िया टाइम था, था लोहा गरम था गांधी जी को हथौड़ा मारने का मौका मिल गया एक इशू शुरू होता है जिसे खिलाफत इशू कहते हैं और जो मूवमेंट शुरू होती है उसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं विच इज टू प्रोटेक्ट एंड डिमांड कि ब्रिटिशर्स खलीफा के साथ ऐसा ना करें इसकी मूवमेंट थी है। अब यहाँ पे सारी मुस्लिम्स पे बहुत टाइम से देखो मुस्लिम लीग जब 1905 के का इंसिडेंस होता है 1907 में फॉर्मेशन होती है ये सब के बाद ना मुस्लिम लीग ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की तरफदारी से बात करती थी उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ही हमारा सहारा है हमें सहारा देंगे आज़ादी हो जाएगी तो हिंदू डोमिनेटेड जगह में शायद मुस्लिम्स को कुछ ना मिले तो ब्रिटिशर्स विल हेल्प अस आउट दे वर कमिंग फ्राम दैट प्लेस बट दे रियलाइज़ कि ब्रिटिशर्स किसी के सगे नहीं हैं स्पेशली एट दिस टाइम तो अब पहली बार बहुत अच्छा मौका मिलता है जहाँ पूरा एक मुस्लिम क्राउड भी आ रहा है आपका ग्रुप बना करके ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तो गांधी जी को लगता है कि यार मास मूवमेंट में जब तक यूनाइटेड नहीं रहेंगे कैसे मजा आएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल का फंडा अपनाया है कि इनको तोड़ो और लड़ाओ आपस में हमारा काम आसान होगा तो अब हम एक ऐसा मूवमेंट लॉन्च करेंगे जहाँ हिंदूज और मुस्लिम्स यूनाइटेड होंगे और टुगेदर वी विल फाइट अगेंस्ट दिस पीपल सो बॉट दे डू इज नाउ दे लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया किसने अली ब्रदर्स ने मुंबई में तो एक कमेटी बनाई है खिलाफत कमेटी बनाई है उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए गांधी जी को खुद ही इन्वाइट करते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली नाम याद रखना ठीक है ये सब भी मार्च 1919 में चल रहा होता है अब गांधी जी को लगता है परफेक्ट मौका है हमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करनी है एक बड़ी मास मूवमेंट सत्याग्रह की लॉन्च करनी है वो करते हैं और ये करते और साथ में करते तो हिंदू मुस्लिम जब साथ में ब्रिटिशर्स के लड़ेंगे तो उनकी बत्ती गुल हो जाएगी तो ये कमेटी को लेकर के गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं अब कांग्रेस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ में एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं इसका पहला अनाउंसमेंट वो सितंबर 1920 में करते हैं याद रखना 1920 सितंबर कोलकाता के सेशन में अनाउंसमेंट करते हैं नॉन कॉपरेशन का फंडक है तो गांधी जी ने उन्नीस में हिंद स्वराज नाम की एक किताब लिखी थी उसमें ही कह दिया था कि भैया हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स हैं ये दस हजार ब्रिटिशर्स आकर के इतने करोड़ों की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनकी मदद कर रहे हैं इंडियंस उनके लिए काम करना छोड़ दें उनके सामान को इस्तेमाल करना छोड़ दें उनका खर्चा बंद करा दें उनकी मदद ना करें तो यहाँ पे एक साल भी नहीं टिक पाएंगे विच हैड अ वेरी गुड लॉजिक क्योंकि इतने ब्रिटिशर्स तो आए नहीं थे ना बहुत कम ब्रिटिशर्स आए थे यार सौ लोगों पे दो ब्रिटिशर्स ऐसा था तो इनको भगाना बहुत आसान था इनकी मदद करना छोड़ देना है तो इन्होंने कहा कि ये हमें करना है और हिंदूज और मुस्लिम दोनों साथ में करेंगे तो उनके पास यहाँ पे टिक पाने की कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका अनाउंसमेंट उन्होंने किया अब यहाँ पे क्या सिस्टम था कैसे आप कॉपरेट नहीं करते ब्रिटिशर्स गुड्स जो है उनको बॉयकॉट कर दोगे जो खाना जो उनका खाना आता है कहीं बाहर से कुछ कपड़े आते हैं लिकर आता है सबको बॉयकॉट कर दो कुछ यूज नहीं करना है ब्रिटिशर्स का कुछ नहीं लेना है इंडियन मैनुफैक्चर्ड होना चाहिए उनके लिए काम नहीं करना है उनके स्कूल नहीं जाना है उनके जगह पर पढ़ाना नहीं है ठीक है और साथ ही साथ जो उनका और है नहीं हिस्सा बनना है यानी कि इलेक्शंस भी जो आने वाले हैं उसका हिस्सा नहीं बनना है तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया अभी कुछ दिन पहले इस इंसिडेंस के पास हुआ होता है जिसके हिसाब से ब्रिटिशर्स पहली बार अलाउ करती है कि जो प्रोविंशियल स्टेट वाले इलेक्शन हैं उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जो आपके मोतीलाल नेहरू सी आर दास ऐसे जो सीनियर जो आपके कांग्रेस के लीडर्स हैं एक जनरेशन बड़े वाले वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बन के गवर्नमेंट को चेंज करेंगे ब्रिटिशर्स से ऐसे तो हम लड़ नहीं पा रहे बट जब उनको पता चलता है कि इस इलेक्शन को भी बॉयकआउट करना होगा क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के किसी हिस्से का चीज का हिस्सा नहीं बन सकते वो नाराज हो जाते हैं तो सेप्टेम्बर में जब ये अनाउंसमेंट होती है तो दे डू नॉट अग्री एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो यहाँ पे चालू कुछ भी नहीं होता है दो महीने लगते हैं गांधी जी मनाते हैं दिसंबर में फिर से नागपुर में एक सेशन होता है इस सेशन में अडॉप्ट कर लिया जाता है नॉन कॉपरेशन को यानी कि खिलाफत और आपका स्वराज मूवमेंट स्वराज मूवमेंट यानी कि अपना राज्य स्वयं इंडिपेंडेंट राज ठीक है इंडिपेंडेंट रूलिंग इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है तो यहां से शुरुआत होती है कि हाँ हम अडॉप्ट करें करेंटीन 1920 में और जनवरी 1921 से ट्वेंटी मूवमेंट चालू हो जाती है तो अब आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड कहाँ एक्सेप्ट किया गया लाहौर नागपुर कैलकाटा या मद्रास तो अभी मैंने आपको बताया बच्चे दिसंबर में हुआ था ये सेशन है ना दिसंबर में हुआ था और दिसंबर वाले सेशन में ही बेसिकली आपका जो भी मूवमेंट था उसका अडॉप्शन हुआ क्योंकि सितंबर में जो सेशन हुआ था वहां पर इसमें हामी नहीं भरी गई थी पीपल वर अगेंस्ट इट शन हैपेंड इन नागपुर कहाँ पे हुआ है ये सेशन नागपुर में हुआ है ठीक है चलिए तो आप बढ़ते हैं आगे नागपुर नाइनटीन ट्वेंटी प्लेस वे दिस से अब क्या होता है मूवमेंट चालू हो जाती है लोग जगह जगह पे आ रहे हैं मास मूवमेंट हो रही है सब लोग तैयार है लेकिन ये मूवमेंट फेल हो जाता है सक्सेसफुल नहीं होता है नेचुरल सी बात है नाइनटीन ट्वेंटी वन में शुरू है नाइनटीन फोर्टी सेवन में आजादी मिली है सक्सेसफुल तो डेफिनेटली नहीं हुआ है प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम ये थी कि आज़ादी अगर मैं आपसे पूछूँ वॉट डज फ्रीडम मीन फॉर यू तो आप बोलोगे कोई बोलेगा कि मैम अर्निंग माई ओन मनी समबडी वुड बी लाइक स्टेइंग इंडिपेंडेंटली परचेजिंग वट एवर आई वॉन्ट इक्वालिटी रिस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है सबके लिए अलग मतलब होता है तो जब आपसे मैं अभी पूछू आज़ादी का मतलब क्या है और आप हर एक के लिए अलग जवाब आएगा तो इस वक्त तो सबके लिए आज़ादी का मतलब डेफिनेटली अलग था देखो मेजर लाइन ये थी मतलब बॉटम लाइन ये थी दैट एवरी वन वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स सबको आज़ादी बिल्कुल ब्रिटिशर्स से चाहिए थी ये बात सच थी लेकिन सबके स्ट्रगल अलग थे फार्मर्स के अलग चैलेंजेस थे वर्किंग uh, क्लास के अलग चैलेंजेस थी ट्राइबल्स के अलग चैलेंजेस थे सब ग्रुप्स को ब्रिटिशर्स अलग अलग तरह से परेशान कर रहे थे तो ये सब लोग क्या चाहते थे ये सब लोग चाहते थे कि उन परेशानी से पहले छुटकारा मिले फिर ब्रिटिशर्स से भी छुटकारा मिल जाएगा तो फ्रीडम का मतलब जब अलग है और आप एक मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हो तो सबका जो तरीका होगा ना उसको हैंडल करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एंड दैट इज एक्जैक्टली वॉट हैपेंड ओवर हियर ओके सो नाउ वॉट हैपन्स इज़ कि इस मूवमेंट में सब लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं बट सब अपने अपने तरीके आजमाने लग जाते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट था कि सब कुछ बॉयकॉउट करना है नॉन वायलेंट रखना है ठीक है तो so, जनवरी में मूवमेंट शुरू होता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करती है लेकिन क्योंकि अलग अलग सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके चैलेंजेस अलग हैं उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब अलग है तो ये शुरू होता है पहले टाउन सन सिटी से ठीक है शहर से शुरू होता है शहरों में मिडिल क्लास आती है क्योंकि यार जो रिच थे उनके इनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं वो अपना पैसों के साथ सब मैनेज कर ले रहे थे जो पुअर थे वो सर्वाइव करने में ही इतना ज़्यादा जूझे हुए थे कि उतना ज़्यादा एक्टिवली उनको फ़र्क नहीं पड़ा था मिडिल क्लास ड्राइविंग फोर्स बनती है एडुकेटेड थी थोड़ी अवेयर थी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पैसों पैसे थे पर इतने नहीं थे कि आराम से जी सकें तो उनके लिए अपने उन हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी था तो जो स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाने वाले जो लॉयर्स हो गए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए ये सब लोग आते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि ये तीन फोल्ड में होगा मूवमेंट आप पहले सब चीज़ों को वापस करोगे फिर नॉन कॉपरेट करेंगे हम और बॉयकॉट करेंगे ऐसा करके पूरा सिस्टम होगा तो सबसे पहले क्या होता है कि जिनको भी जो भी रिकग्निशन कोई रिवॉर्ड ब्रिटिशर्स की तरफ से मिला था वो सब लोग लौटा देते हैं कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए आप हमें ये खिताब ये रिवॉर्ड ये रिकोगनीशन मत दो आप चले जाओ ठीक है टाउन्स एंड सिटीज़ में मिडिल क्लास आती है लॉयर्स वगैरह क्या करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स को गवर्नमेंट ऑफिस को कोर्ट्स को स्कूल्स को छोड़ के घर पर बैठ जाते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं नहीं करना है हमें आपके लिए ना काम करना है ना पढ़ना है तुम क्या करोगे कर लो तुम्हें जो करना है काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया जाता है एक सिर्फ जस्टिस पार्टी जो है मद्रास की वो नहीं करती है बाकी सब जगह होता है क्योंकि उनकी लड़ाई यार अगेन फ्रीडम उनको जो है ब्रिटिश से ज्यादा कास्ट सिस्टम से चाहिए होता तो उनकी लड़ाई ब्राह्मण सेक्शन से ज्यादा थी इसलिए वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकली जब एम्पावर होंगे तभी तो हमें असली ताकत मिलेगी तब हमें कास्ट से कोई नहीं दबा पाएगा तो हमें तो इलेक्शन लड़ना है जस्टिस पार्टी मद्रास की नहीं करती है बाकी सब करते फॉरन गुड्स को बॉयकआउट किया जाता है लेकर शॉप्स को पिकेट किया जाता है पिकेट का मतलब क्या है दुकान के सामने भीड़ लगा के बैठ जाओ कोई पहुंच ही नहीं पाएगा दुकान तक तो खोलेगा कैसे अपने आप बंद ठीक है बड़े बड़े बॉन्ड फायर बनाए जा रहे थे फॉरेन गुड्स की और आग लगा दी जा रही थी इस एक्सटेंट में हुआ कि एक से फिफ्टी टू करोड़ पे ड्रॉप हो गया था पूरा आपका जो से सेलिंग प्राइसेस थे फॉरेन गुड्स के सच में इट वर्कड अलॉट और बड़ा झटका और धक्का लगा था ब्रिटिशर्स को ठीक है लेकिन प्रॉब्लम ये था कि स्पेशली सिटीज़ में अगर बात करें लोग अपने मैनुफैक्चर गुड्स भी पहन रहे कपड़े भी पहन रहे धीरे धीरे करके ये जो लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया उनको वापस जाना पड़ गया क्योंकि मिडिल क्लास है इतने पैसे तो है नहीं कि आराम से खर्चा चले और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव जॉब नहीं था कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो पैसे जो ही थोड़े बहुत कमा रहे थे वो कमाने के लिए वापस तो जाना पड़ता पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स थे उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव स्कूल नहीं था कॉलेज नहीं थे पढ़ाई करना ज़रूरी था तभी आगे चल करके नौकरी लेते एम्पावर्ड होते तो ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं था कपड़ों की अगर बात की जाए तो फॉरेन गुड्स बॉयकॉट तो किया लेकिन इंडिया में प्रॉपर उतनी मैनुफैक्चरिंग नहीं थी खादी लोग पहन रहे थे लेकिन खादी बहुत महंगा आता है नवारी साड़ी जैसे नौ मीटर की साड़ी नवारी महाराष्ट्र वुमेन पहनती हैं उसको बनाने में जो वक्त लगता है वो अलग और महंगा इतना है कि हर एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से टाउन्स में आप समझ सकते हो मूवमेंट कैसे फेलियर की तरफ बढ़ने लगा सिमिलरली ये कंट्री साइड पे यानी कि विलेजेस में भी स्प्रेड होता है विलेजेस में कौन रहते हैं गाँव में आपको नॉर्मली ट्राइबल्स फार्मर्स है ना तो दोनों का मूवमेंट होगा फार्मर्स का भी होगा ट्राइबल्स का भी होगा तो मूवमेंट होता है जैसे पेजेंट्स का मूवमेंट सिर्फ अवध में नहीं है अवध का एग्जाम्पल हम लेंगे इसके अलावा भी पेजेंट्स की मूवमेंट अलग अलग जगह चलती है पहले उस मूवमेंट के बारे में समझते हैं पेजेंट्स की मूवमेंट जो है <coughs> उनकी लड़ाई सीधा सीधा ब्रिटिशर्स से नहीं थी उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स के तालुकदार्स और जो ये जमींदार जो रिप्रजेंटेटिवस थे उनसे थी जो ब्रिटिशर्स के बदले उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे जो उनसे बिगाड़ी में फ्री में काम कराया करते थे फोर्स लेबर बॉन्डेड लेबर कराया करते थे ठीक है उसके अलावा जो बड़े ज़मींदार थे जो ब्रिटिशर्स के साथ उठना बैठना करते थे क्योंकि बड़े थे उनके पास बहुत ज़मीनें थी उन जमीनों को रेंट पे दिया करते थे छोटे पेजेंट्स को कास्ट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे उनके काम को रिकगनाइज नहीं किया करते थे इनसे उनकी लड़ाई थी तो इन्होंने उनसे लड़ाई शुरू की उसके बाद क्या होता है एक दिन बंद कर देते नाई धोबी जितने भी बारबर्स वॉशरमैन थे ये कहते हैं कि हमारे कास्ट के डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन पे वी आर नॉट बेसिकली एनी विच वी इज रिस्पेक्टेड हम काम ही नहीं करेंगे ओनली देन दीज रिच पीपल वुड रियलाइज कि हमारा वर्थ क्या है ऐसा करके वो बंद कर देते धीरे धीरे क्या होता है नॉन वायलेंट रहना होता है मूवमेंट मूवमेंट वायलेंट में वायलेंस में आज मतलब वायलेंस मूवमेंट में आने लग जाती है लोग जो है जा करके कर के कहीं कुछ लूट करके ले आ रहे हैं टैक्स पे नहीं कर रहे हैं गांधी जी के नाम पे कोई भी कुछ भी कह रहा है तो यहाँ पे पूरा एजेंडा जो था कि कॉपरेट नहीं करना है बस वो फेल होने लग जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे डिसोबे करने की बात नहीं है बस ये बोलना है कि सहारा साथ नहीं देना है बाकी तुम्हारा तोड़फोड़ कर दे डिस्ट्रॉय कर दे बिल्कुल तुम्हारे अगेंस्ट चले जाए ये हमारा एजेंडा नहीं था एनसीएम में वहीं पे अगर प्रेजेंस की बात की जाए अवध में स्पेसिफिकली तो यहाँ पे मूवमेंट बाबा रामचंद्र चला रहे थे जो खुद एक इंडेंजर्ड लेबरर थे इंडेंजर्ड लेबरर का मतलब क्या होता है तो बच्चे उस वक्त ब्रिटिशर्स ना अलग अलग कॉलोनीज में उनके प्लानेशन थी आपने स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवल्यूशन में तो उसमें हमने देखा है कि कैसे एक कंट्री जो अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है हर जगह प्लांटेशन बनाती है तो उनको प्लांटेशन पे काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं और स्लेवरी बंद हो चुका है तो वो क्या करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स ले जाते थे इंडिया से पी ले गए श्रीलंका ले गए इधर उधर इंडिया में एक हिस्से से दूसरे हिस्से ले गए तो ये प्लांटेशन बहुत लेबर इंटेंसिव थी बहुत लेबर्स लगते थे उस पर काम करने के लिए तो अलग अलग जगह पे ले जाते थे अपना काम करवाने के लिए लेबरर्स को बाबा रामचंद्र खुद उनमें से रह चुके थे अब ये जब लेबरर्स जाते थे तो ये अच्छे पैसों के वादे से कुछ लिमिटेड टाइम के लिए जाते थे लेकिन होता क्या था होता ये था कि वहाँ जाने के बाद कई सारे लोगों को वापस नहीं आने दिया जाता था या फिर आप ऐसा समझ लो कि उनको वैसे पैसे जो प्रॉमिस किए जाते थे नहीं दिए जाते थे ट्रीटमेंट बहुत बुरी होती थी तो ये खैर वापस आ गए थे और फिर उन्होंने लैंड लॉर्ड्स ताल्लुकदार संघ के अगेंस्ट खुद भी लड़ाई शुरू की थी इन्होंने एक सभा एक एक ग्रुप भी बनाया औद किसान सभा 1920 में उसको आप जवाहरलाल नेहरू भी ज्वाइन करेंगे और और भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे और धीरे धीरे 300 ओवरऑल उत्तर प्रदेश वगैरह वाले एरिया में स्प्रेड कर देंगे ठीक है तो ये पेजेंट्स की कहानी होती है लेकिन वही है कि मूवमेंट हमें समझ आता है कि गलत डायरेक्शन में जाने लगता है वैसे ही ट्राइबल्स की बात करते हैं देखो मैंने बोला ना कि सबका अपना अपना प्रॉब्लम था ट्राइबल्स की प्रॉब्लम क्या थी ट्राइबल्स के साथ ऐसा होता है कि ट्राइबल्स कौन होते हैं ट्राइबल्स आर बेसिकली आदिवासीज और वनवासीज ठीक है फॉरेस्ट डवेलर्स फॉरेस्ट डवेलर्स फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट से ही जो भी निकल कर आता है नेचर को वर्शिप करते हैं और उसी से अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं उनके पास ज़्यादातर कैटल्स होते हैं उनको वो फॉरेस्ट में फीड कराते हैं जो भी सामान वहाँ से निकलता है उसे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और अपना गुजारा करते हैं ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से निकाल दिया गया था क्यों निकाल दिया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एक तो उनको खतरे की तरह देखा जा रहा था बट मोर देन दैट वोट द प्रॉब्लम वॉज ब्रिटिशर्स को हर तरीके से ना पैसे निकालने थे दैट वॉज द ओनली आइडिया दे हैड इन देयर माइंड वेरी वेरी क्लियर अब उनको हर तरीके से पैसे निकालने के लिए हर जगह से टैक्स लेना था तो कहीं पे भी अगर ज़मीन खाली पड़ी है एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो टैक्स नहीं आ रहा है तो फॉरेस्ट ऐसा था एक जगह पर उन्होंने अब टिम्बर लगाना शुरू कर दिया टीक लगाना शुरू कर दिया तो टैक्स आने लग गए अब वो क्या करते हैं वहाँ रहने वाले लोगों से उनको लगता है कि ये टीक टिम्बर हैम्पर होगा ठीक है और शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी का भी कल्चर था तो इन सबको भगा देते हैं और इनकी एंट्री फॉरेस्ट में बंद कर देते हैं वो लोग जिनकी पूरी डिपेंडेंस फॉरेस्ट पे है इनकी पूरी रिकग्नेशन आइडेंटिफिकेशन फॉरेस्ट से रिलेटेड है उनका फॉरेस्ट में जाना बंद हो जाता है प्लस अब जब वो अपने जानवरों को वहाँ ग्रेजिंग के लिए ले जाना चाहते हैं हर एक जानवर पर उन्हें पैसे भरने पड़ते हैं टैक्स भरना पड़ता है तो बहुत नाराज थे जानवर मरने लग गए थे वो उन्हें मेनटेन नहीं कर पा रहे थे और फिर ये कहते ही थे कि ठीक है यार तुम्हारे जानवर मर रहे हैं तुम नहीं मेनटेन कर पा रहे हो आओ हमारे लिए लेबर का काम करो ये कंस्ट्रक्शन साइट में कर दो ये रेलवे ट्रैक्स बनवा दो तो ये बहुत नाराज थे कि तुमने हमसे हमारे फॉरेस्ट में जो हमारा घर है वहाँ जाने का हक छीन लिया है ठीक है तो ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत हो गया था आपका आफ्टर द रिवोल्ट सो नाउ दे वर फाइटिंग फॉर दैट अभी इस चक्कर में क्या क्या करते थे मूवमेंट शुरू होता है अलूरी सीताराम राजू फॉर हैज़ बीन वन एग्जाम्पल्ट लीडर अलूरी सीताराम राजू भी बड़े अतरंगी इंसान थे उनके बारे में बात करते हैं बट पहले समझते हैं कि एक सर्टन तरीके का मेथड शुरू कर दिया था ट्राइबल्स ने स्पेशली गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में गोरेला वॉरफेयर ये एक वॉरफेयर पुराने जमाने में यूज किया जाता था जहाँ पे जब आपके पास आर्मी कम है आपको पता है आपके ऊपर कोई दूसरा राजा कोई दूसरी आर्मी अटैक कर रही है तो आप क्या करते थे अपने जाने माने एरियाज में पेड़ों पे ऊपर छुप जाते थे वो जब छुपते छुपाते आ रहे हैं नीचे से ज्यादा लोग भी आ रहे हैं बट आप सरप्राइज अटैक उन पर करोगे तो उनके पास टाइम नहीं रहता अपने आप को प्रोटेक्ट और ठीक से डिफेंड कर पाने का तो आपको एक एडवांटेज मिल जाती है इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा शुरू कर दिया उनके जंगलों में उन मतलब उन्होंने अपना हक जमा लिया था जंगलों में ऊपर पेड़ों पर छुपने लग गए उन पर अटैक करने लगे तो वॉयलेंस इंक्लूड हो जाता है अलूरी इसी तरह हम राजो अनोखे इसलिए थे क्योंकि वैसे तो गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे नॉन वायलेंस की ज़्यादा बात नहीं करते थे बट पिकट करना है लेकर को लेकर नहीं करना है बॉयकॉट करना है ये सब चीज़ों की बात करते थे ठीक है पर उसके साथ ये भी बोलते थे कि रिनकानेशन है गॉड के गोली से मारे नहीं जा सकते हैं ठीक है ठीके? ये ऐसे ऐसे अतरंगी बातें किया करते थे बट फिर उनको कुछ ही दिनों में सिक्सटी के टाइम मतलब कुछ ही टाइम में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाई द ब्रिटिशर्स तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है वॉयलेंस आ जा रहा है लोग वैसे तो बॉयकॉट कर रहे हैं कॉपरेट नहीं कर रहे हैं लेकिन ढंग से फॉलो नहीं हो पा रहा है तो रिबेल अटैक की वजह से जो है प्रॉब्लम होती है और फिर वैसे ही अलूरी रा, सीताराम राजू को भी कैप्चर करके नाइनटीन में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ठीक है अब प्लान्टशंस की बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया टी की प्लांटेशन इंडिगो की प्लांटेशन ये सब बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब्स होती हैं और ये प्लांटेशन कैश क्रॉप्स की हुआ करती थी जिससे बहुत पैसे आते थे ब्रिटिशर्स के पास तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स को काम पे रखते थे 1857 फिफ्टी सेवन तक इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि यार लोगों को ज़्यादा कंट्रोल में रखना होगा तो वो एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एटीन का पास करते हैं इस एक्ट के तहत क्या होता है ऐसा बोला जाता है कि भैया तुम तो अगर एक प्लांटेशन वर्कर हो तुम इस प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते अपने घर भी नहीं जा सकते पास में हो दूर में हो तुम इस प्लांटेशन में ही रहोगे और तुम जब इससे बाहर निकलोगे तुम्हें अपने मैनेजर की परमिशन लेने होगी बिना मैनेजर के परमिशन के आप नहीं जा सकते इट वॉज जस्ट एज सिंपल इज दैट प्लांटेशन ओनर्स जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि सर्व स्वराज जो है गांधी जी लेके आ रहे हैं उसका मतलब है मूविंग फ्रीली गांधी जी हमें हमारी अपनी जमीन देंगे हम वहाँ खेती करेंगे यहाँ रह के फ़ायदा नहीं है हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है हम यहाँ से निकल जाते बिना परमिशन के सारे रूल्स रेगुलेशन को डिफाई करके ये प्लांटेशन वर्कर्स निकल पड़ते हैं बाहर पैदल पैदल अपने घर अब उस दिन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक था ना ट्रेन में ली ना वेसल मतलब शिप्स ले कुछ कुछ मिला ही नहीं फंस गई है बेचारे ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और बहुत पिटाई लगाई तो ये देख करके अभी गांधी जी का दिल बहुत टूट गया लेकिन जो एक फाइनल नेल इन द काफिन था वो था चौरी चौरा इंसिडेंट ठीक है तो इसका जवाब दे दो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स विल कम बैक दिस इज ट्रू राइट ये एक ट्रू स्टेटमेंट है नॉन कॉपरेशन वॉर स्वराज प्लस खिलाफत एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गैर तो ऐसा करके उन्होंने बेसिकली ये सब हो गया अब क्या uh, मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के साथ भी प्रॉब्लम हो गए अब ये सब चल ही रहा था तब क्या होता है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी uh, 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 में टूवर्ड्स बिहार वाले साइड पर वहाँ एक जगह है चौरी चौरा वहाँ पे कुछ फार्मर्स चुपचाप बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनपे ब्रिटिश पुलिस जो है अटैक कर देती है अब वो रिटेलिएट कर देते हैं उन्होंने कहा तुम हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट पर अटैक करोगे हम तुमसे बदला लेंगे हम भी तुम्हें मारेंगे अभी बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है बीस बाईस पुलिस वाले मारे जाते हैं अब ये इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी के सर से पानी चला जाता है वो कहते हैं वो नॉन वायलेंस का मतलब तुम समझते ही नहीं हो तुम मास मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हो इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है फेबर 1922 में ठीक है अब क्या होता है अब हमें पता है कि पहले कांग्रेस कह रही थी कि हमें बॉयकॉट नहीं करना है इलेक्शन बॉयकॉट करा दिया तो सी आर दास मोतीलाल नेहरू ये सब दुखी हो जाते हैं कहते देखो तुम्हें बोला था ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा नहीं हुआ अब ये कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बना लेते हैं स्वराज पार्टी जो कहता है कि हम भाई काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे तुम करो ना करो वहीं पे जो आपके नए रेडिकल लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस वो कहते हैं हमको ब्रिटिशर्स से मतलब नहीं है हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस

आपको याद होगा 1929 में आपने वर्ल्ड वाइड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में वैसे पढ़ा है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में नाजम वाले चैप्टर में भी लास्ट ईयर पढ़ा राइट तो होता यह है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है नाइनटीन में पहले फार्मर्स को पहले अपनी चीज़ें बहुत कम में बेचनी पड़ रही थी वो वैसे ही नहीं बिक रही थी कम पैसे मिल रहे थे धीरे धीरे करके डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है अमेरिका का स्टॉक मार्केट फटता है और सब कुछ कोलैप्स कर जाता है इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है पर ब्रिटिशर्स का टैक्स फलाना टमकाना ये जाती बंद नहीं होती हैं ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक सेटबैक लेकर के आ जाती हैं फार्मर्स के लिए ये तो 1929 की बात है इसके पहले स्वराज वाला मूवमेंट जो था वो भी एक प्रॉब्लम था मतलब स्वराज पार्टी वाला एक और चीज होती है 1928 में एक कमीशन बना करके टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटेन की भेजी जाती है कमीशन क्या होता है कमीशन एक स्टैटरी लीगल बॉडी होती है जो टेम्पररी बॉडी होती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है उनको हटा दिया जाता है होता यह है कि टॉरे गवर्नमेंट इस, इसको बनाती है इस एजेंडा के साथ कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इंडिया में आप जाओ उसको स्टडी करो और उसको चेंज करो भैया ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी डिमांड्स हैं नेशनलिस्ट के और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस के वो चेंज किए जाएं उसके लिए कमीशन को भेजा है स्टडी करके ठीक करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है तो आखिर यहाँ पे सारे लोग क्यों भड़क गए इनके आने से तो इसका नाम था साइमन कमीशन सर जॉन साइमन नाम के एक ब्रिटिशर थे जो इस कमीशन को हेड कर रहे थे वो जैसे ही आते हैं एक ब्लैक फ्लैग के साथ साइमन गो बैक ऐसे करके उनका स्वागत किया जाता है स्लोगन और ब्लैक फ्लैग एंड एवरी थिंग ओवर दैट द रीजन वॉज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड अ गुड इंटेंशन एंड एजेंडा प्रॉब्लम इज कि इस ग्रुप में इस कमीशन में एक भी इंडियन है ही नहीं कोई इंडियन था ही नहीं तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया सरप्राइजिंगली मुस्लिम लीग ने भी किया सब मिलकर के पहली बार यहाँ पे कर रहे थे प्रोटेस्ट तो आप देखो ग्रेट डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है लोगों के पास पैसे नहीं है ब्रिटिशर्स उनकी मदद नहीं कर रहा है साइमन कमीशन भेज रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई इंडियन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है फिर वहीं पे हमें पता है कि हमारे रेडिकल लीडर्स जो हैं अब कह रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया दिसंबर में लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का वहाँ पे 1929 में उन्होंने कहा कि आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस आर इंडिपेंडेंस डे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट ब्रिटिशर्स है तो हैं, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे हम मानेंगे हम इंडिपेंडेंट है हम इन पे ध्यान ही नहीं देंगे डिक्लेयर किया जाता है सेलिब्रेट होता है बड़ी रैली निकलती है लेकिन जिस स्केल पे इन्होंने सोचा था नहीं होता है और ये मूवमेंट फेल हो जाती ब्रिटिशर्स को कहीं कही ना कहीं आप समझ रहे हो वो लग गया भरोसा सा कि नहीं हो पा रहा है तो गांधी जी ने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा कुछ बड़ा करना पड़ेगा और बच्चों याद रखना कि क्योंकि 26 जनवरी ही हमारा पहला ऐसा सेलिब्रेट करने वाले थे हम इंडिपेंडेंस डे की तरह ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी पर इंडिपेंडेंस डे फिर हमारा फिफ्टीन अगस्त को होता है इसी जब हम हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दो महीने पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था हमने दो महीने इंतज़ार किए उसको अडॉप्ट करने के लिए जनवरी तक इस डेट को वो रिस्पेक्ट देने के लिए जो ये डिजर्व करती थी ठीक है चलो क्वेश्चन स्किप हो गया अब जाने दो ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडेंस की तरफ तो गांधी जी ने देखा कि 1930 में होता है आपका 26 जनवरी का सेलिब्रेशन वो मोमेंटम गेन नहीं कर पाता है तो 30 तारीख को उस वक्त जो वाइस रॉय थे लॉर्ड अरविन उनको वो एक चिट्ठी लिखते हैं 11 डिमांड्स के साथ और ये बेसिकली एक अल्टीमेटम है एक धमकी है कि हम ये ग्यारह डिमांड कर रहे हैं आप पूरी करोगे तो ठीक है नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे भैया तुम सोच लेना ठीक है तो थर्टी फर्स्ट जनवरी को वो एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं ग्यारह डिमांड क्यों वो कोशिश करते हैं कि हर एक ग्रुप चाहे वो मुस्लिम हो पेजेंट्स हों फार्मर्स हों मिल वर्कर्स हों बिजनेसमैन हों सबके लिए कुछ ना कुछ वो उन्होंने डिमांड किया था ताकि सबको इंक्लूसिव फील हो सके जब तक सब इंक्लूडेड फील नहीं करेंगे मूवमेंट का हिस्सा एक्टिवली नहीं बनेंगे तो इस इंक्लूसिविटी को लाने के लिए उन्होंने 11 डिमांड्स रखी हर एक ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ साथ में एक मेजर डिमांड रखी वो थी सॉल्ट लॉ की अबोलिशन सॉल्ट लॉ क्या था तो जो ब्रिटिशर्स थे यार बड़े चालाक उन्होंने कहा नमक हम बनाएंगे और मनोपली है हमारी यानी कि सिर्फ हम ही बनाएंगे तुम कुछ नहीं करोगे तुम नमक नहीं बना सकते नमक बनाना बहुत आसान था कोई भी बना सकता था बट उन्होंने कहा सिर्फ हम बनाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं नमक पे टैक्स भी लगाते थे मतलब एक ऐसी बेसिक चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को है गरीब अमीर बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग छोटा बच्चा औरत मर्द सब नमक खाते एक ऐसी चीज़ जो सबको चाहिए होती है वो ब्रिटिशर्स बना भी रहे थे बड़े और उसमें मनोपली भी ले रखी थी और टैक्स भी लगाते थे तो ये उनके जाति का एक जीता जागता बहुत बड़ा एग्जाम्पल था दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ देर ओपरे ओपरेसिव बिहेवियर राइट तो गांधी जी ने कहा कि आप जो है सोल्ट टैक्स हटा दोगे ठीक है हमारा ये मेजर डिमांड है अगर ये सब कुछ ग्यारह मार्च तक पूरा नहीं हुआ ग्यारह मार्च तक टाइम दिया डेढ़ महीने का टाइम दिया तो बारह मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी तरफ से लॉन्च हो जाए अब सोल्ट वाला ही क्यों उन्होंने पिक किया क्योंकि यार नमक ऐसी चीज़ है सबको चाहिए होती है सब खाते हैं तो क्योंकि सबको चाहिए होती है सब खाते हैं तो मतलब एक ऐसा फैक्टर होने वाला था जो सबको यूनाइट करता प्लस ऐसे डिमांड्स बाकी उन्होंने रखी भी थी कि सब लोग मिलकर आते हैं तो अब क्या होता है कि लॉर्ड औरविन जो है वो थोड़ी रिलकटेंस दिखाते हैं इसको याद रखना ये आपको नोट्स पे भी प्रिंटेड दिखती होगी डांडी मार्च का ही एक पिक्चर है एक स्नैपशॉट है ओके कमिंग बैक तो सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है कि हर एक इंसान उससे रिलेट करता है तो सब साथ में आते हैं तो गा अब लॉर्ड अरविंद जो ए, उतना आ, उतना है उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा इस बात को नहीं मानते मतलब ही डजेंट रियलाइज द इंटेंशन द ग्रेविटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन मुझे को लगता है गांधी जी ने इसे बोल दिया होगा और सिविल डिस मूवमेंट में कितना ही बड़ा हो जाएगा एन के बाद भी सबक ज्यादा नहीं सीखे थे तो उन्होंने थोड़ा रिलेक्टेंस दिखाया कि ठीक है एक दो चीजें मान लेंगे ये सॉल्ट वॉल्ट वाला हम नहीं करेंगे और ग्यारह मार्च गुजर जाता है गांधी जी तैयार गांधी जी बारह मार्च को निकल जाते हैं साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ डांडी एक कोस्टल टाउन है तो आपको पता होगा कि समुद्र में ठीक है ओशन्स में सीज में जो पानी होता है बहुत सलाइन होता है उस पानी से को जब आप इवेपोरेट करते हो तो पूरा नमक रह जाता है दैट्स हाउ सॉल्ट इज फॉर्म तो डांडी एक कोस्टल टाउन है कोस्ट है वहाँ पे वो पानी को एपरेट करके अपने से नमक बनाएंगे इसके लिए वो मार्च करके जाते हैं वॉक करके उन्होंने शुरू कर दी अपनी कहानी अपने 74 या 76 सिक्स वॉलेंटियर्स ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ वो मार्च करना शुरू करते हैं बारह नाइनटीन को ठीक है साबरमती आश्रम से डांडी पहुँचते हैं चौबीस दिन का ये वॉक था दस दस मील दो मील की दूरी तय करते हैं रस्ते में सबको मोबालाइज करते जाते हैं यानी कि सबको अवेयर करते जाते हैं कि सुनो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया है हिस्सा बन जाना पार्टिसिपेट करना नमक बनाओ रूल्स तोड़ो अब सिविल डिसोबीडियंस है आप हिस्सा लो सबको बताते जा रहे हैं न्यूज फैलाते जा रहे हैं उसमें से और कुछ लोग आ गए कुछ लोग घर पर ही सॉल्ट बनाने लग गए अब वो छह अप्रैल को पहुंचते हैं डांडी वहाँ अपने हाथों से जो है नमक मैनुफैक्चर करते हैं और इसी के साथ शुरुआत कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस की अब जगह जगह लोग नमक मैनुफैक्चर कर रहे हैं अब बच्चे समझना ये है कि ये नॉन कॉपरेशन से डिफरेंट है क्यों नॉन कॉपरेशन में सिर्फ बोला गया आप साथ मत दो ब्रिटिशर का रूल्स तोड़ो उनके अगेंस्ट जाओ उनको आंसर बैक करो ऐसा नहीं बोला गया था सिविल डिस ओबीडियंस वॉज गोइंग टू डू दैट ये ज्यादा भारी पढ़ने वाला था ब्रिटिशर्स को ठीक है तो लोगों को अब बोला जा रहा था कि कॉपरेट नहीं करना है रूल्स को तोड़ना है तो अब लोगों ने रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया जगह जगह बॉयकॉट कर दिया सेम सिस्टम लेकिन नॉन वायलेंट ये याद रखना नॉन वायलेंस अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो टैक्सेस पे करने से मना कर रहे हैं फॉरेस्ट लॉ तोड़ रहे देखो नॉन कॉपरेशन में फॉरेस्ट लॉ तोड़ने की प्रॉब्लम हुई थी कितनी पर अब बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट लॉ भी तोड़ो जो लॉ है रूल्स है रेगुलेशन है प्लांटेशन से नहीं जाना सारे रूल्स ब्रेक कर दो सिर्फ उनका साथ नहीं देना है अब उनके अगेंस्ट जाना है ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पूरी डोमिनेटिंग ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी लगाती है कई सारे लीडर्स को जो जो है कैप्चर करती है गांधी जी को नेहरू जी को अब्दुल गफार खान को और जैसे ही जब गांधी जी अब्दुल गफार खान पेशावर से ये सारे लोग अरेस्ट होते हैं लोग और सड़कों पे आ जाते हैं शोलापुर में मिल वर्कर्स भी पूरा फायर पे है ठीक है तो महात्मा गांधी जी फिर उस मूवमेंट को कॉल ऑफ करेंगे क्यों इस रिप्रेशन की वजह से नहीं एक साल लगभग जैसा ये मूवमेंट चलता है अब जो है लॉर्ड अरविन एकदम से रियलाइज़ करते हैं कि यार पंगे ले लिए मैंने गड़बड़ कर दी ये हाथ से बात निकल गई है तो गांधी जी को मनाते हैं ठीक है 1931 में एक साल लगभग पाँच मार्च को 12 मार्च उन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 से शुरू किया था और पाँच मार्च को लॉर्ड अरविन जो है गांधी जी के पास जाते कहते कि गांधी जी सुनो यार गड़बड़ हो गई हमसे हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं हमने आपके जिन लोगों को अरेस्ट किया उनको हम छोड़ भी देंगे जो नॉन वायलेंट थे जिन्होंने वॉयेंस नहीं किया है उनको भी हम छोड़ देंगे प्रिजनर्स भी नहीं बनाएंगे आप ही मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लो आपकी डिमांड्स हम सुनेंगे आप हमारे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ अब इसके पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका है लंडन में होता ही है वहाँ बॉयकॉट कर दिया था कांग्रेस ने नहीं गए थे उनमें से कोई नहीं गया था ठीक है एवरी वन इट अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वाले में तो आ जाओ वहाँ मुस्लिम लीग गई थी फर्स्ट वाले में और कोई नहीं गया था कांग्रेस वगैरह उनको कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस में आओ आपकी बात सुनेंगे आपको जो चाहिए वो सब करेंगे मूवमेंट कॉल ऑफ कर दो गांधी जी भी सोचते हैं कि यार कन्विक्शन लग रहा है लग रहा है कि शायद मान जाए तो ठीक है बच्चों एक और चीज़ ये सी लॉन्च होने के पहले एक और चीज़ जो है जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो तो डोमिनियन स्टेटस का वादा कह रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे यानी कि टॉप पे हम रहेंगे बट सारी रूलिंग आपकी रहेगी आप ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करोगे लाइक आई विल बी दी ओ रेस एंटायर कंपनी विल बी योर सी को तुम रिपोर्ट करते रहना प्रॉफिट दिखाते रहना जो भी करते रहना पर बहुत वेग तरीके से कब जाएंगे क्या देंगे कुछ बता ही नहीं रहे कह रहे डोमिनेंट स्टेटस देंगे तो पूर्ण स्वराज तो वो वैसे भी नहीं था तो इसीलिए फिर आर्टिकल्स ने बोला कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए तुम्हारा डोमिनेंट स्टेटस भी तुम रखो अपने पॉकेट में और जाओ ब्रिटेन वापस लॉर्ड अरविंद ने वो कांड भी किया हुआ था फिर यहाँ पे भी प्रॉमिस कर रहे हैं गांधी जी को लगता है कि शायद हो सकता है सिंसियरिटी से बोल रहे इस बार मान जाते हो सकता है सच में सच में कर दे पर ऐसा कुछ नहीं था गांधी जी ने ये कॉल ऑफ कर दिया मार्च में दिसंबर में जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है फ्यूटाइल बिल्कुल कोई काम का नहीं गांधी जी पहुँचते हैं वहाँ कोई बिल्कुल मतलब बहुत ही दुखी मन से वापस आते हैं वापस आते हैं तो देखते हैं कि फिर से लोगों को जेल में डाल दिया है कांग्रेस को इलीगल बना दिया है तो ये कहते हैं ऐसे नहीं होगा हम दोबारा मूवमेंट लॉन्च करेंगे ही लॉन्चेज द मूवमेंट अगेन इन 1932 और दो साल जैसी चलती है मूवमेंट लेकिन पहले वाली बात नहीं थी यार वो जोश नहीं था क्यों नहीं था वो भी हम देखेंगे जब हम अलग अलग लोगों की बात करेंगे इस मूवमेंट में वो जोश नहीं था तो मूवमेंट उनको फिर से 1934 तक कॉल ऑफ करने पड़ती है क्योंकि वो मोमेंटम खो गया होता है तो आप देखते हैं कौन कौन से लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पेजेंट्स फार्मर्स बड़े एक्टिवली बहुत खुशी से रिच पेजेंट्स आते हैं रिच अब सब देखो सबकी डिमांड फिर से अलग अलग है लेकिन आ रहे हैं सब रिच पैजेंट्स को क्या चाहिए रिच पैजेंट्स को चाहिए कि हम पे जो ये टैक्सेस लगे हुए हैं इतना डिप्रेशन आया है ऊपर से रेवेन्यूज बढ़ती जा रही है हमारी बिक्री नहीं हो रही है तो यार हमको ये रेवेन्यूज रिड्यूस कराओ आज़ादी दिलवाओ जो पुराना है उसको माफ कराओ जो अब इतना बढ़ाकर टैक्स लगा रहे हैं उसको कम कराओ क्योंकि अभी अभी ग्रेट डिप्रेशन हुआ है 1930 में लॉन्च हुआ है ना ये मूवमेंट तो ये इस डिमांड से है क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ है उसके पहले इकनॉमिक क्राइसिस चल रही थी तो ये कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना है मूवमेंट ज्वाइन करें ब्रिटिशर्स को बोलो हमारा ध्यान रखे लेकिन जब एक साल में इनकी डिमांड पूरी हुई बिना अचानक से गांधी जी कॉल ऑफ कर देते हैं मूवमेंट तो इनका भरोसा कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है इनको लगता है कि जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो जब आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो और हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो कंसिडर नहीं कर रहे हो तो वी वुड रैदर नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट द सेकेंड टाइम तो उन्होंने दूसरी बार में तो ज्वाइन भी नहीं किया मूवमेंट ठीक है तो रिच पेजेंट्स की ये कहानी होती है पुअर पेजेंट्स बेचारे आते हैं उनकी डिमांड क्या है so, कही तो कहीं ना कहीं तो रिच पैसेंट ही प्रॉब्लम में थे ना रिच पेजेंट्स लैंड लॉड्स हुआ करते थे तभी तो रिच थे बड़ी बड़ी जमीने थी तो so, उसमें छोटे छोटे फार्मर्स को खेती करने के लिए रेंट पर देते थे या वर्कर्स की तरह रखते थे पोअर पेजेंट्स की डिमांड ये थी कि रिच पेजेंट्स जो ज़्यादा हैं लैंड जो ज़्यादा वो हमसे जो रेंट मांग रहे हैं इतना बहुत सारा टैक्स मांग रहे हैं हमारी भी बिक्री नहीं हो रही है इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है हमसे बहुत फ्री में लेबर भी करा लेते हैं उन सबसे हमको माफ़ी चाहिए कांग्रेस पोर पेजेंट्स को ज़्यादा तोज्जो नहीं देता है ढंग से एड्रेस नहीं करता है क्यों रिच पेजेंस नाराज हो जाते और रिच पेजेंट से कहीं ना कहीं फंडिंग आती थी तो उनको सपोर्ट मिलता था तो कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं करती है इनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं करती है पर बच्चे लैंड लॉट्स तो कम हुआ करते थे ना वो पेजेंस ज्यादा हुआ करते थे तो रिच पेजेंट पॉपुलेशन में कम पोअ प्रजेंट्स ज्यादा थी तो ज्यादा एक बड़ी पॉपुलेशन पीछे छूट जाती है इस मूवमेंट का ढंग से हिस्सा बनने के लिए पोअ प्रेजेंस फिर भी पार्टिसिपेट कर करें बट एक्टिवली उनको कांग्रेस करा नहीं रहा है सपोर्ट नहीं कर रहा है ठीक है इस बार बिजनेस क्लास इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरर्स ये सारे लोग भी आते हैं क्यों जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुई जो आ, आंदोलन थी उसको देखा तो बड़े इम्प्रेस हो गए उनको लगा यार इन्होंने पूरा फॉरेन गुड का मैन्युफैक्चरिंग हाफ़ करा दिया पूरी इकोनॉमी उनकी हाफ़ करा दी 102 करोड़ से छपन करोड़ पे ला करके गिरा दिया है हम अब इनके साथ रहना चाहते हैं हम जब सीडीएम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे गुड्स बिकेंगे हमारी, बिकेंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी और गांधी जी से डिमांड ये रखते हैं ये जो इम्पोर्ट है फॉरन गुड्स की उसको कम करा यानी कि जो ब्रिटेन से बन बन के सामान आ रहा है उसको कम कराना है ये हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए ताकि हमारा सामान बिके सामान बिकेगा तो प्रॉफिट बनेगी ठीक है उसके अलावा जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ प्रोलॉन्ग बिजनेस डिस्ट्रप्शन थे इन्फ्लुएंस था सोशलिज्म का आपको याद रखना होगा कि रशियन रिवोल्यूशन भी इस वक्त हुआ था बहुत रिसेंटली तो अब कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठ रही थी सोशलिस्ट कई सारी पार्टीज़ आ रही थी इंडस्ट्रलिस्ट को बंद कराना चाह रही थी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आ रहे थे तो कांग्रेस से उनको चाहिए था कि ये सबको फोर्स आउट करें इन सबसे उनका रास्ता आसान कराएं इसलिए वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ऑफ कोर्स बिजनेस क्लास थी बहुत पैसे थे तो कांग्रेस को बड़ी फंडिंग्स भी दे रहे थे अब क्या होता है कि अगेन जब कॉल ऑफ एकदम से हो जाता है तो इनका दोबारा में इंटरेस्ट नहीं आता और बिजनेस क्लास भी दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करने आती है और इसके पहले तो उन्होंने कई सारे काउंसिल्स बनाए थे तो आपका ठाकुरदास तालुकदार जी ऐसे ऐसे तालुकदार Uh, मतलब आप देखोगे तो uh, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जो है गोवर्धन गो दास आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जो एफ आई सी सी आई आई सी सी आई वैसे uh, ग्रुप्स बनाकर काउंसिल्स बनाकर पहले से पार्टिसिपेट करने की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की काम में लगे हुए uh, अब होता ये है कि इनके साथ साथ क्योंकि बिजनेस क्लास हैं ये फैक्ट्री ओनर्स हैं मिल वर्कर्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते आप देखो तुम देखो इंडिया जैसे जगह पे किसी भी देश में फॉर दैट मैटर जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं ज़मींदार्स हैं लैंड बड़े, ये रिच पॉपुलेशन है वो हमेशा कम होती है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है तो वो पेसेंट्स भी ज़्यादा थे रिच पेसेंट्स से ठीक है और मिल वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे बिजनेस क्लास से हर एक बिज़नेस क्लास के मिल में कितने कितने वर्कर्स काम करते थे क्योंकि बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट कर रही थी कांग्रेस ने मिल वर्कर्स को पूरे तरीके से एंटरटेन नहीं किया क्यों नहीं किया एंटरटेन क्योंकि मिल वर्कर्स की डिमांड ऐसी कई सारी आती है जो बिजनेस क्लास के अगेंस्ट होती तो so कांग्रेस उसको कैसे मैनेज करती तो so कांग्रेस ने इस वजह से मिल वर्कर्स जो कि इतना बड़ा क्राउड था उनको बाहर छोड़ दिया था कुछ कुछ जगह के जैसे शोलापुर के स्टील वर्कर आयरन वर्कर्स वाले लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बट इन जनरल दे डिड नॉट पार्टिसिपेट सो दैट वॉज अनदर प्रॉब्लम औरतों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था जेल गई प्रोटेस्ट में खड़ी हुई लाठीचार्ज में खड़ी हुई लेकिन एक चीज हमें फिर भी याद रखना है डिस्पाइट ऑफ दिस ये इनका कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है सिंबॉलिक ही है नेचर में क्यों सिंबॉलिक कहेंगे हम इसे क्योंकि यार कांग्रेस खुद ऐसा लगता था कि रिलक्टेंट है औरतों की पार्टिसिपेशन से उनको कोई बड़ा पोजीशन नहीं देता था गांधी जी खुद कहते थे कि औरतों का परम धर्म तो घर का ध्यान रखना परिवार का ध्यान रखना है तो अगर वो ये सब चीज़ें करे कर करने में ही रहेंगी तो फिर प्रोटेस्ट कैसे दिल खोल करके करेंगी समझ रहे हो तो ये मूवमेंट भी फेल हो जाती है अब डिमेरिट्स क्या है एक तो हमको समझ आता है कि अब्रप्टली इसको कॉल ऑफ करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिसहार्टनिंग जो लेकर के आते हैं फ्यूटाइल एफर्ट्स के साथ गांधी जी वो एक बहुत बड़ा रीजन था डिस्ट्रप्शन ऑफ द मोमेंटम में बट उसके साथ साथ कुछ बड़े रीजनस थे जैसे दलित्स को नहीं इंक्लूड किया गया था तो बच्चे पहले क्या होता था कि ज्यादा तो जो फ्रीडम फाइटर्स ये सारे लोग थे पढ़े लिखे थे तो वो बड़े रिच फैमिली से आते थे एंड दे टू बी ऑफ हाई कास्ट हिंदू फैमिलीज इन्होंने ही हिंदू महासभा भी बना रखी थी तो इनको बड़ा कास्ट सिस्टम से इशू था तो दलित्स जो दूसरा मेजर आपका सोसाइटी का हिस्सा है उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया उनको नहीं हिस्से में लिया ठीक है मुस्लिम्स बहुत आइसोलेटेड थे उनके साथ भी हिंदू महासभा ही बखेड़ा खड़ा करती है वो कैसे मैं बताती हूँ आप अभी आप देखोगे कि बी आर अम्बेडकर की डिमांड मान ली जाती है लेकिन मोहम्मद जिना जी की डिमांड नहीं मानी जाती है ठीक है तो मुस्लिम्स को नॉन कॉपरेशन के बाद से फिर से बहुत एलियनेटेड से रहने लग गए थे साथ में उन्होंने कुछ नहीं किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट साथ में प्रोटेस्ट किया बट उसका ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया मतलब वो छोटा सा इवेंट था तो सीडियम में भी वो एलियनेटेड ही रहे कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट किया तो किया बट एक्टिवली उनको इंक्लूड नहीं किया गया था और हिंदू महासभा की जो भी टेक्स थे एक्शंस थे जो कॉन्डक्ट था उसकी वजह से वो वैसे ही थोड़ा दूर 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 महसूस करते थे तो दलित्स को बिल्कुल यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट नहीं था स्वराज का इंक्लूजन ज़्यादा नहीं थी महात्मा गांधी ने रियलाइज़ किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा क्योंकि बहुत बहुत बड़ा इश्यू है जब तक आप इक्वालिटी नहीं लाओगे फ्रीडम ट्रूली नहीं मिलेगा और सब साथ में नहीं लड़ सकते तो इन्होंने उनको हरिजन विच मीन्स चिल्ड्रेन ऑफ गॉड बुलाना शुरू किया और उनके लिए एक सत्याग्रह किया उनके साथ काम करते थे वो सेम काम करते थे उनको मंदिर में लाना खिलाना लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, ठीक है लेकिन कोर्स उन्हें क्या था उन्हें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए था उन्हें ये पता था कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है और जितने सालों से चली आ रही है, वो हटाना एक दिन में आसान नहीं है नहीं इम्पॉसिबल है होगा ही नहीं एंड सी डिस्पाइट ऑफ कितने साल हो गए हमारे आज़ादी को आज भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करती है इंडिया में रूरल एरियाज़ में या जहाँ पे भी लोग अनएकेटेड है अन अवेयर है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑर्गनाइजेशन और एडुकेशन के साथ धीरे धीरे रेडिकेट हो रही है बट इट स्टिल इज़ वेरी वेरी डोमिनेंट इट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इनहेरिट की जाती है लोगों में तो दलित्स का बहुत सिंपल था कि यार हमें जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दो हमें पॉलिटिकली जब तुम इंक्लूड करोगे तभी हम बराबरी में आ पाएंगे पावर चाहिए पावर से ही लोग बराबरी में आते हैं तुम नाम दे दो बोल दो कुछ भी उससे कुछ नहीं होगा और बी आर अम्बेडकर अब इनके मसीहा बन जाते हैं सारी जगह इनकी आवाज़ उठाते हैं उन्होंने बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन भी बना दिया होता है तो अब ये कहते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब एरिया हमारा रिजर्व होगा वहाँ पे हमारे ही लोग वोट करेंगे वहाँ पे हमारा ही पार्टिसिपेंट होगा उसको ही वोट करेंगे और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोट की डिमांड रखी थी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था बी आर अम्बेडकर गए थे उसमें ब्रिटिशर्स फट से मान जाते हैं उनको तो जितने डिविजन क्रिएट हो उतना बेटर है गांधी जी दुखी हो जाते हैं गांधी जी कहते हैं ये तो देश को बांटने वाली बात हो गई और वो बैठ जाते हैं अनशन पे फास्ट अन टू डेथ तुम अगर ये नहीं लोगे क्लॉज तो मैं जान दे दूँ पर मैं खाऊंगा नहीं तो बी आर अम्बेडकर पिघल जाते हैं ठीक है तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नाइनटीन में बनाया था उन्होंने महात्मा गांधी से काफ़ी क्लैशेस होते रहते थे, थे उनके क्योंकि उनका मानना था कि जो उनका अप्रोच है और जो उनका तरीका है हरिजन्स को हैंडल करने का वो डिफ़रेंट तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सेम चीज़ होती है वो फास्ट पर बैठते हैं फिर वो वापस आते हैं बी आर अम्बेडकर पिघल जाते हैं कहते हैं कि ठीक है गांधी जी आप जो कह रहे हो वही सही तो पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में अब गांधी जी यहाँ पे कुछ प्रामिसज़ कहते वो कहते हैं तुम्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए हम देंगे पार्लियामेंट जो बनेगी उसमें सीट्स रिजर्व होंगी कि इतने परसेंट जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही आएंगे रीनेम किया उनको शेड्यूल कास्ट की तरह ठीक है फिर ये भी बोला कि आपको रिजर्वेशन एडुकेशन सेक्टर में भी मिलेगी कॉलेज में स्कूल्स में हमेशा रिजर्वेशन रहेगी ताकि आप आगे बढ़ते रहो एडुकेट होगे तो आगे बढ़ोगे डेवलप होगे इवॉल्व होगे तो डिक्लाइन जब हुआ नॉन कॉपरेशन का तो मुस्लिम्स हमें पता है बहुत एलिनेटेड फील करने लगे जैसे इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड की थी मुस्लिम्स ने भी की वो तो बिल्कुल हिंदू महासभा ने क्लियरली डिक्लाइन कर दिया वो तो किसी की नहीं मान रहे थे इनकी भी नहीं मान रहे थे उन्होंने कहा ठीक है यार हमको रिजर्व कॉन्स्टिटुंसिस ही दे दो ना जैसे तुमने इनको एम्पावर किया है हमें भी कर दो जहाँ हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर हमारी सीट्स होंगी हमको कुछ रिजर्वेशन दे दो तुम पार्लियामेंट में हिंदू महासभा के एम आर जयकर ने इसको साफ इनकार कर दिया और मोहम्मद जन्हाँ की बात को बिल्कुल हटा दिया तो उसकी वजह से और ज्यादा डिस्ट्रस्ट का माहौल आ गया था तो आप देखो दलित्स मुस्लिम्स वेजेंट्स मिल वर्कर्स ये सारे लोग कितने एलियनेटेड रहे हैं प्लस द डिफरिंग स्ट्रैंड प्लस कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन तो ये सारे जो हैं क्या हो गए लिमिटेशंस हो गए सेंट्रल असेंबली रिप्रेजेंटेशन सब कुछ फिर भी एक होप था कि जो इशू है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सॉल्व होगी लेकिन एमआर आर जयकर ने उसको ऑब्वियसली सॉल्व नहीं किया सिविल डिसोबिडियंस इस वजह से हो जाता है पूरी तरीके से फेल ठीक है नाउ द फाइनल सेक्शन द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस यहां पे आ, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार बताना क्या है पाँचों नंबर का सवाल आता है पहले तो इसका मतलब बताना है इसका पर्पस बताना है और आपको कुछ चार पांच एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए जैसे नतीसा शास्त्री का नाम याद रखो कि उन्होंने फोकलोर का सीरीज ऑफ बुक्स वो किया था ठीक है अबिंद्र टैगोर भारत माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन सब का नाम याद रखेंगे ठीक है साइंस सिंबल स्वदेशी फ्लैग महात्मा गांधी चरखे का फ्लैग ये सब याद रखना है ये एग्जाम्पल्स के तौर पे आप यूज करोगे ठीक है अब देखो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का क्या है बेसिकली बच्चे नेशनलिज्म एक इमोशन है एक आइडिया है ठीक है इस इमोशन और आइडिया में क्या होता है जब भी आप मूवमेंट कर रहे हो इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू आर इंस्पायर्ड कॉन्स्टेंटली अदरवाइज यू लूज द मोटिवेशन तो ये जब इतने सारे लोग एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं उनको आपको एक उनको हमेशा मोटिवेटेड इकट्ठे रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप रिआइटरेट करते रहो आइडियाज को उनको इंस्पायर करते रहो उनको मोटिवेट करते रहो ठीक है अब इसके लिए आप देखोगे कि चाहे यूरोप हो चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो जो भी हमने पढ़ा है हमने हर जगह देखा है गाने साइंस सिंबल्स, फ्लैग्स पिक्चर्स ऐसे कई सारी चीज़ें यूज करी गई हैं लोगों को इंस्पायर्ड रखने के लिए हमारे यहाँ वैसे ही डाइवर्सिटी बहुत थी ठीक है तो लोगों का ऐसा कुछ देखते रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी था बेसिकली so इसका मतलब यह है कि जब आप एक यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको कुछ साइंस सिंबल्स हाइम्स सॉन्ग्स ऐसी चीजें चाहिए इंस्पायर्ड रहने के लिए सो दैट इज वॉट कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज बिकॉज अंटल अनलेस यू डोंट फील लाइक योर टुगेदर इन द फाइट यू विल नॉट बी मोटिवेटेड यू विल नॉट फाइट टुगेदर द फाइट विल नॉट बी स्ट्रांग तो अलग अलग गाने यूज किए जा रहे थे जैसे कि वंदे मातरम हो गया आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा भारत माता की एलेग्री अबिंद्रनाथ टैगो ने दी एलेग्री हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का जब पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तो इंडिया को भारत माता की तरह प्रेजेंट किया गया देखो यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखना है भारत माता वॉज एन असैटिक फिगर ठीक है एक साधु संत की तरह उनको दिखाया गया है कामनेस वगैरह सारे फीचर्स जैसे भारत को इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है बट भारत माता है वो तो वहां पे फिर से एक रिलीजियस एलियनेशन थोड़ी सी इन्वॉल्व कर दी गई थी ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉट एबल टू एसोसिएट इट वो थोड़ा एक बाउंडेशन था कई सारे सॉन्ग्स जैसे वंदे मातरम बताया फिर हिस्ट्री का ग्लोरिफिकेशन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारा कल्चर खराब है तुम्हारा हेरिटेज खराब है तुम कहीं के नहीं हो तुम गरीब हो ये हो वो पेंट कर दिया अब क्या है जब मान लो इफ आई normally if you talk to an American person they'll be very proud प्राउड है ना person very proud but बट maybe you will talk to an Indian and they would want to hide their identity or maybe they are very proud you never know या कोई एक ऐसा देश जो डेवलप नहीं है जिसके बारे में लोग नहीं जानते तो दोनों लो, लोग उनके बारे में नहीं बताते क्योंकि उनको अंदर से अपने देश के लिए वो प्राइड नहीं आता है वो नेशनलिस्ट वाली फीलिंग नहीं आती है तो जब आपको अपने देश के बारे में अच्छी चीज़ें पता हो ठीक है जो रोमांटिसिज्म में भी हमने देखी है कि कल्चर सेलिब्रेट करो हिस्ट्री सेलिब्रेट जब करते हो तो आप बोलते हो कि अरे ये मेरा देश है मैं यहाँ से हूँ और वो आपको और मोटिवेट करता है देश को आगे लेके जाने के लिए देश के बारे में बात करने के लिए एट्सेट्रा तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ऐसा दिखाया कि तुम ऐसे तुम वैसे तुम्हारा कल्चर ऐसा तुम्हारा ट्रेडिशन ऐसा तुम्हारी सोसाइटी ऐसी तो अब क्या किया हिस्टोरिक चीज़ों को निकाल निकाल कर लोगों को बताने लग गए ताकि लोगों को पता चले कि यार यार हमारा कल्चर हेरिटेज इतना रिच है आई फील प्राउड अबाउट इट एज अटिजन सो ब्रिटिशर्स ने जो टेंट किया उसको हटाया हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया सो दैट पीपल को टेक प्राइड इन इट कल्चर को ग्लोरीफाई किया लिटरेचर को ग्लोरीफाई किया फोक लोड्स फोक लोड्स क्या होते हैं बच्चे ट्रेडिशनल स्टोरीज जो आपकी कहानियाँ वगैरह चलती आ रही होती हैं उनको बताया लोगों को क्योंकि फोक लोड जब आप सुनते हो तो आपको अपने ट्रेडिशन के बारे में हेरिटेज के बारे में पूर्वजों के बारे में एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है आप उसके बारे में अवेयर होते हो ज्यादा सेलिब्रेट करते हो है ना कनेक्ट करते हो प्राइड फील करते हो सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट हैपनिंग देन फ्लैग्स आज भी क्यों इंडिपेंडेंस डे पे रिपब्लिक डे पे डेफिनेटली फ्लैग हॉस्टिंग होती है क्यों हम कोई गाना सुनते हैं और इतना जोश आ जाता है ना आपको बहुत अच्छा लगेगा कोई मूवी देख करके क्योंकि वो इंस्पायर करती है और ऐसी चीजों का रियाआईटरेट होते रहना जरूरी है स्पेशली एट दिस टाइम जब ब्रिटिशर्स का फ्लैग लहरा रहा होता था उस वक्त अपने ट्राई कलर को कहीं पे लगा करके जो सेंस ऑफ अकॉम्पलिशमेंट एंड ट्रायम फील करते थे लोग वो बहुत बहुत स्ट्रांग थी तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दैट इज वॉट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग टॉक्स अबाउट तो यहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि वॉट वर द डिफरेंट मेथड्स तो आप बताओ फोकलोर नतेशा शास्त्री रबिंद्राथ टैगोर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रविंद्रनाथ टैगोर ठीक है गांधी जी का स्वदेशी फ्लैग स्वराज फ्लैग सॉरी स्वदेशी फ्लैग जो आपका बंगाल पार्टिशन के टाइम पे यूज किया गया जिसमें लोटस था जिसमें आपके आठ लोटस प्रोविंस को दिखा रहे थे सन था मून था ट्राई कलर था आप बताओ गांधी जी के ये स्वराज फ्लैग के बारे में जहाँ पे हम देख रहे हैं चरखा है जो सेल्फ डिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस को दिखाता है तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है हमारा कलेक्टिव बिलोंगिंग का भी ठीक है तो इसी के साथ हमने वन शॉट फिनिश कर लिया है नेशनलिज्म इन इंडिया का लेट्स क्विकली समराइज व्हाट डिड वी डू सो वी स्पोक अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या असर आता है और कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं एक नया पोलिटिकल इकनॉमिक सिचुएशन आ जाता है इन्फ्लेशन आ जाती है फोर्स रिक्रूटमेंट होने लग जाता है ऐसे सारे चैलेंजेस आते हैं उस वक्त ज़रूरत थी इंडिया को एक मसीहा की जो गांधी जी बनकर आते हैं और ऑर्गेनाइज़ और करते हैं सत्याग्रह पहले चंपारण खेदा और आपका अहमदाबाद में उसके बाद राउलेट एक्ट आता है जिसके साथ वो दूसरी मूवमेंट फिर आपकी ऑर्गेनाइज़ करते हैं हड़ताल वग़ैरह फिर जलियावाला बाग इंसिडेंट्स हो जाता है एंड देन फाइनली उनको खिलाफत मूवमेंट के साथ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है अली ब्रदर्स के साथ आ, स्वराज को लॉन्च करने की एन के फॉर्म में एन में हालांकि डिफरेंट स्ट्रैंड थे वो उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन बनती है और वो बहुत वॉलेंट भी होने लग जाता है तो चौरी चौरा के बाद उसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन पूर्ण स्वराज की डिमांड साइमन कमीशन का फॉर्मेशन डोमिनेंट स्टेटस पे क्लैरिटी नहीं होना ऐसे सारे इंसिडेंसेस की वजह से सी डी एम अल्टीमेटली लॉन्च होता है जहाँ पे पहले डिमांड सॉल्ट टैक्स को हटाने की रखी गई थी वो नहीं होता है सो so अल्टीमेटली गांधी जी गोज अहेड एंड लॉन्च द मूवमेंट खुद से जाकर के जो है सॉल्ट मैनुफैक्चर करते हैं साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक जाते हैं कई सारे लोग आते हैं लेकिन इसकी भी बहुत लिमिटेशंस हैं वो पेजेंट्स को जैसे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया अचानक से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया वुमेन की मूवमेंट बहुत इन्वालमेंट बहुत सिंबॉलिक थी बिजनेस क्लास ने दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किया रिच पेजेंट्स ने दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किया मोमेंटम खो जाता है मुस्लिम्स को दलित्स को मिल वर्कर्स को एलिनेटेड रखा जाता है तो ये मूवमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इफेक्टिव नहीं रहती और इसके लिमिटेशंस रहते हैं कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग वी हैव अंडरस्टूड पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स हिस्ट्री फिक्शन फोकलोर सॉन्ग्स इन सारी चीज़ों को बेसिकली ग्लोरीफाई किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो ऐसे ही सारे सेशंस के लिए आपको कर लेना है एम ऐप को डाउनलोड वहां पे आप क्विजिस खेल पाओगे जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट इट और नॉट सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है ट्वेंटी थ्री का वो मैं कराने वाली हूँ बीस इक्कीस और बाईस को तीन हिस्सों में उसको डिवाइड करके एक एक घंटे में करेंगे हम बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स नॉर्मली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जो भी आपकी अप्रोच होगी वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो सेशन के लिए जरूर अपने आप को रजिस्टर कर लेना सारे सेशंस फ्री हैं द ऐप इज़ फ्री द वेबसाइट इज फ्री जस्ट गो है रजिस्टर योर सेल्फ एंड गेट स्टार्ट एम बाइबिंग स्टार्ट लर्निंग एंड ड नॉट फरगेट माई डेयर स्टूडेंट्स टू जॉइन द टेलीग्राम ऐप ये हमारा क्यू आर कोड है और ये हमारा लिंक है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जो भी एडोकेटर्स हैंट एम बाइफ आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी अनाउंसमेंट होती है कोई भी अपडेट होता है हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता सकते हैं कई बार आप क्लास में या सेशन में नहीं होते हो या वो वीडियो नहीं देखा होता है आपने यहाँ ज्वाइन रहने से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी शेड्यूल शेयर होता रहेगा और एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे हम डायरेक्टली एक एक वन पॉइंट है ऑफ कनेक्शन जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं डायरेक्टली राइट So on that note, I hope you liked this session. With questions' ke answers, to to you can comment them. Ho. How did you like the session? Is there anything else that you would want me to do? Do let me know in the comment section. If you like the session, do not forget to hit the like button, share the video with your friends, and make sure to subscribe to the channel. Make sure to subscribe uh, to basically register yourself on the Imbibe app. And I'll see you guys soon. Till the next time, have a great day. Have a great evening. Take good care of yourself. Have wonderful preparation. All the best. बोर्ड्स में हम रॉक करने वाले है, टर्म हैं टर्म टू की तैयारी भी अब हम शुरू कर देंगे सैम्पल पेपर के बाद तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए उधर भी रजिस्टर हो जाइए एंड टिल द नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव वन सस्ता लवस्ता बबाई चाओ अगली बार मिलते हैं टिल कीप एम बाय बिंग Keep imbibing. We believe in you.